हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो अभी हम लोग यूनिट 4 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लें, और मेरा रिफरल कोड अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिनसे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ALEEM स्पेस नहीं देना है आपको, 10, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इससे मिल जाएगा आपको। तो जिन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि लास्ट पार्ट होगा, और यूनिट 4 आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आता है घेटो। घेटो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और 2020 के बाद बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं घेटो से रिलेटेड। अ घेटो इज एन एरिया इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल with the same religion or nationality, etc. The people in ghettos are mostly poor. तो ghetto क्या है? एक ऐसा area है जहाँ पे group of people होते हैं, उनका religion same होता है या nationality same होती है। यहाँ पे देखिए, a group of people living in an area which have same religion or nationality, या तो उनकी nationality same होगी या उनका religion same। ज्यादातर घेटो शब्द जो है वो यहूदियों के लिए यूज किया जाता है, यानी कि इसीलिए इसको घेटो कहा जाता है। ठीक, यहूदी बस्ती। देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन जो है वो यहूदी बस्ती का ही होता है, क्योंकि ये टर्म जो है ज्यादातर यहूदियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। द पीपल इन घेटोज आर मोस्टली पुअर। घेटो में जो पीपल होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? पुअर होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि घेटो क्या है? एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं जिनका सेम रिलीजन या सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो नेशनलिटी उनकी सेम होती है, और ये ज्यादातर पुअर होते हैं। ये ज्यादातर क्या होते हैं? पुअर होते हैं। एक यहूदी बस्ती एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक ही धर्म या राष्ट्रीयता आदि के लोगों का एक समूह होता है। ठीक, तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक ही धर्म या राष्ट्रीयता आदि लोगों का एक समूह होता है। ठीक, जो क्या है? हाँ, घेटो कहलाती है। और यहूदी बस्ती के लोग ज्यादातर गरीब होते हैं। यहूदी बस्ती के लोग ज्यादातर क्या होते हैं? गरीब होते हैं। ऐसी बस्तियां जहाँ पे लोग एक ही धर्म के, एक ही राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं, उसको घेटो कहा जाता है। और घेटो जो है ऐसी जगह है जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर गरीब होते हैं। ठीक, द घेटो ट्रेसेस बैक टू द मेडिवल इरा द जेविस इमिग्रेंट colonies that have virtually disappeared from our modern cities to be replaced by other ghettos. ठीक, तो ghetto शब्द कहाँ से आया था? जब जेविस का इमिग्रेंट हुआ था तब ये ghetto शब्द आया था। इसीलिए ज्यादातर ghetto वर्ड जो है वो किससे जोड़ा जाता है? ज्यूज से जोड़ा जाता है। The ghetto traces back to the medieval era. Medieval era के टाइम पे ये हुआ था जब जेविस का इमिग्रेंट हुआ था। जेविस इमिग्रेंट कॉलोनीज बनी थी that have virtually disappeared from our modern cities, जो हमारी मॉडर्न सिटीज से डिसअपीयर हो चुकी थी, तो भी रिप्लेस बाय द अदर घेटोज। उनको किससे रिप्लेस किया गया था? अदर घेटोज से रिप्लेस किया गया। लुइस रेथ ने बात किया है घेटो की, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने बात किया है, तो लुइस रेथ ने बात किया है घेटो। ये याद रखिएगा आपको कि किसने बात किया है घेटो की? लुइस रेथ ने बात किया है घेटो। तो घेटो क्या है? इसको
मेडिवल इरा के टाइम से ट्रेस बैक किया जाता है। ज्यादातर ये किससे रिलेटेड होता है, जैविश इमिग्रेंट से रिलेटेड होता है, ज्यादातर जैविश इमिग्रेंट से रिलेटेड होता है। जिस कॉलोनियों में, ये ऐसी कॉलोनीज है जिन्होंने मॉडर्न कॉलोनीज को रिप्लेस किया, ठीक, और इसकी बात किया है लुईस ब्रेथ। ये तो मध्यकालीन युग में यहूदी आवासी उपनिवेशों का पता लगाता है। मध्यकालीन का शब्द है, ये कह सकते हैं मध्यकालीन समय का ये वर्ड है जो हमारे आधुनिक शहरों से लगभग गायब हो गए थे। तो यहूदी बस्तियां जो है वो हमारे आधुनिक शहरों से गायब हो चुकी थी, जिन्हें अन्य यहूदी बस्ती द्वारा परिस्थापित किया जाना जाना है, ठीक है। तो ये जो है दूसरी बस्तियों द्वारा ये परिस्थापित होती है, यानी कि उनको रिप्लेस किया जाता है। लुईस विथ ने यहूदी बस्ती के बारे में बात की है, लुईस विथ ने यहूदी बस्ती के बारे में बात की है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने जो है गेटोज के बारे में बात किया है, तो गेटोज के बारे में बात किया है लुईस विथ। जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसके सेम रिलीजन सेम कंट्री वाले लोग होते हैं, और ये ज़्यादातर गरीब होते हैं, ठीक, एक ही जगह पर रहते हैं लेकिन ये ज़्यादातर गरीब होते हैं और वहीं पे ही स्लम्स वगैरह बना के रहते हैं, ठीक। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसी कॉलोनीज को क्या कहा जाता है, गेटो कहा जाता है। घेटोआइजेशन क्या है, यहूदी बस्ती यानी कि घेटोआइजेशन। अब यहाँ पे मैंने बताया था जब TION लग जाए तो इसका मतलब होता है प्रोसेस, TION लग जाए तो इसका मतलब होता है प्रोसेस। तो घेटोआइजेशन मतलब घेटो बनने का एक प्रोसेस, ठीक, यहूदी बस्ती बनने का एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, ठीक। घेटोआइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेंबर्स लिविंग इन माइनॉरिटी पीपल, ठीक। तो घेटोआइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन मतलब अलग थलग होना, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेंबर लिविंग इन माइनॉरिटी ग्रुप, या ऐसे ऐसे मेंबर का रिस्ट्रिक्शन जो माइनॉरिटी ग्रुप में रहते हैं, ठीक, जो माइनॉरिटी हो जो होते हैं उनका उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उससे भी गेटोआइजेशन, उसे भी कहा जा सकता है। दे आर फॉर्म मोस्टली बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर। ये ज्यादातर क्यों बनते हैं, सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से बनते हैं, या तो सोशल कॉज होगा, मतलब कुछ ऐसे सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिनकी वजह से वो वहाँ से मूव करके दूसरी जगह पे अपनी बस्ती बना लेते हैं, या इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से, गरीबी की वजह से लोग जो है दूसरी जगह पे जाके अपनी एक बस्ती बना लेते हैं, ठीक। तो ये दोनों तरीके से हो सकती है। दे आर फाउंड मोस्टली बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर, ये ज़्यादातर सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर के जरिए ही बनती है। गेटोआइजेशन अल्पसंख्यक समूह में रहने वाले सदस्यों को अलगाव, सदस्यों का अलगाव, ठीक। तो अल्पसंख्यक समूह में रहने वाले जो सदस्य हैं उनका अलगाव या प्रतिबिंब की एक प्रक्रिया है, या प्रतिबिंब प्रतिबंध की एक प्रक्रिया, या प्रतिबंध की एक प्रक्रिया है। वे ज़्यादातर सामाजिक और आर्थिक दबाव के आधार पर बनते हैं, ये ज़्यादातर सामाजिक और आर्थिक दबाव के आधार पर ही बनते हैं, ठीक। या तो सामाजिक दबाव होता है उनके ऊपर तो वो जाके दूसरी जगह अपनी बस्ती बसा लेते हैं, ठीक, या तो आर्थिक दबाव होता है तब जाके वो अपनी बस्ती दूसरी जगह पे बसा लेते हैं। तो ये ज्यादातर अल्पसंख्यक समूह जो होते हैं उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि उन्हीं उन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, ठीक। तो उनके अलगाव या उनके पास उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसकी वजह से ये होता है, ठीक। एथनिक एनक्लेव्स, जातीय एनक्लेव्स क्या होते हैं, एथनिक एनक्लेव्स या जातीय एनक्लेव्स क्या होते हैं। एनक्लेव्स नाम आपने सुना होगा, कई जगह पे लिखा हुआ पाया होगा आपने, कि जहाँ पे मतलब एक बस्ती बनी होती है, कई घर होते हैं, उनको एक एनक्लेव कह दिया जाता है, ठीक है। इन सोशोलॉजी एन एथनिक एनक्लेव इज अ जियोग्राफिक एरिया विद हाई एथनिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। सोशोलॉजी में एथनिक एनक्लेव किसको कहते हैं, एक ऐसा जोग्राफिक एरिया, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हाई एथनिक कॉन्सेंट्रेशन होता है। हाई एथनिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि एक ही एथनिक ग्रुप के लोग होते हैं वहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कल्चरली
कल्चरल आइडेंटिटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी सेम होती है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो सेम होती है। ऐसी जगह पे जो लोग रहते हैं उसको एथनिक एनक्लेव कहा जाता है। समाजशास्त्र में एक जातीय परिक्षेत्र उस जातीय एकाग्रता, विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक गतिविधि वाला एक भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक, तो ये एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पे एक ही संस्कृति के मानने वाले लोग और एक ही जाति के मानने वाले लोग या एक ही आर्थिक गतिविधि, मतलब सारे लोग एक ही आर्थिक गतिविधियां करते हो, ऐसे लोग रहते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? इथनिक एनक्लेव कहा जाता है। तो इथनिक सिटी से रिलेटेड है इथनिक एनक्लेव, ऐसे ऐसी रहने की जगह जहाँ पे लोगों की इथनिसिटी एक हो, चाहे वो कल्चरल हो चाहे वो इकोनॉमिक हो, उनकी इथनिसिटी अगर एक हो, एक जैसी हो, तो उसको एथनिक एनक्लेव कहा जाता है। उनकी जातीय जो जाति जो है वो एक हो तो उसी को जातीय एनक्लेव कहा जाता है। ठीक, ऐसी जगह जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल तो रहते हैं लेकिन उनकी जो जाति है वो एक, ठीक, समूह रहता है, मतलब लोगों का एक समूह रहता है वहाँ पे, लेकिन उनकी जाति एक होती है, यानी कि उनकी संस्कृति या तो एक होती है या उनकी जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं वो एक जैसी होती हैं, तो ऐसी जगहों को जातीय एनक्लेव कहा जाता है। The term is usually used to refer to either a residential area or a workplace with a high concentration of ethnic form. तो ये term किस लिए use किया जाता है? ये ज़्यादातर use किया जाता है या तो कोई residential area के लिए, ठीक, जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक, कोई residential area जहाँ पे लोग रहते हैं, or a workplace, या कोई ऐसा workplace जहाँ पे एक ही मतलब economic activities से related लोग रहते हों, या एक ही उन लोगों का culture भी एक ही हो। तो या तो वो वर्क प्लेस हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा रेसिडेंशियल एरिया हो, वर्क प्लेस भी हो सकता है, एथनिक एनक्लेव जो है वो वर्क प्लेस भी हो सकता है। द टर्म इज यूजुअली यूज्ड टू रिफर टू ईदर अ रेसिडेंशियल एरिया और अ वर्क प्लेस। तो या तो ये एक रेसिडेंशियल एरिया से रिलेटेड होता है या वर्क प्लेस से रिलेटेड होता है, ठीक, या तो ये रेसिडेंशियल एरिया से रिलेटेड होता है या वर्क प्लेस से रिलेटेड होता है। With a high concentration of ethnic form, जहाँ पे जो है ethnic form का concentration ज़्यादा होता है, मतलब एक ही ethnic group के लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक। इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर एक आवासीय क्षेत्र या जातीय फर्मों की उच्च सांद्रता वाले कार्य क्षेत्र से संबंधित है। तो या तो ये आवासीय क्षेत्र हो सकता है या कार्य क्षेत्र हो सकता है जहाँ पे एक ही जाति के लोग रहते हैं, ठीक, जहाँ पे एक ही जाति को लोग रहते हो, ऐसी जगह, चाहे वो आवासीय हो सकती है चाहे वो कार्य क्षेत्र हो सकता है, दोनों जगह हो सकती हैं, तो उसको जातीय एनक्लेव कहा जाएगा या एथनिक एनक्लेव कहा जाएगा। ठीक, सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है एथनिक एनक्लेव का? अब एथनिक एनक्लेव का महत्व क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है? एथनिक एनक्लेव्स assist member in achieving economic mobility. Economic mobility achieve करने के लिए ये member को मदद करता है, क्योंकि अगर एक area है वहाँ पे सिर्फ एक ही community के लोग रह रहे हैं, एक ही culture के मानने वाले लोग रह रहे हैं, एक ही economic activities करने वाले लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे chances ज़्यादा होते हैं economic mobility, ठीक। तो ethnic enclave क्या करते हैं? Assist करते हैं member को इन अचीविंग इकोनॉमिक मोबिलिटी, इकोनॉमिक मोबिलिटी को अचीव करने में ये मदद करते हैं, ठीक। तो एथनिक एनक्लेव्स असिस्ट मेंबर इन अचीविंग इकोनॉमिक मोबिलिटी। जातीय परिक्षेत्र सदस्यों को आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तो एनक्लेव की जगह पे परिक्षेत्र भी रख सकते हैं आप। तो जातीय परिक्षेत्र क्या है? ये सदस्यों को आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं, क्योंकि एथनिक यानी कि जातीय परिक्षेत्र में सारे लोग एक ही आर्थिक गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे आर्थिक गतिशीलता बहुत संभव होती है। तो ये एक तरह से जो जातीय परिक्षेत्र होता है वो सदस्यों को आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में सहायता करता है, ठीक। नेक्स्ट है, एनक्लेव्स क्रिएट एन अल्टरनेटिव लेबर मार्केट। एनक्लेव्स क्या करता है, दूसरा काम क्या है एनक्लेव्स का? ये क्रिएट करता है अल्टरनेटिव लेबर मार्केट।
एक अल्टरनेटिव लेबर मार्केट क्रिएट करता है, दैट इज एथनिक स्पेसिफिक। जो क्या है, एथनिक स्पेसिफिक होता है, एक ही एथनिक के मानने वाले लोग होते हैं, ठीक। एंड डज नॉट डिमांड सोशल एंड कल्चरल स्किल ऑफ द होस्ट कंट्री, ठीक। और जो है उस होस्ट कंट्री यानी कि जिस कंट्री में ये रहते हैं, ठीक, होस्ट कंट्री किसको कहेंगे, जिस कंट्री में ये रहते हैं वहाँ के कल्चरल और सोशल स्किल के लिए ये डिमांड नहीं करते हैं। मतलब वहाँ के कल्चरल या सोशल स्किल को ये अडॉप्ट नहीं करते, ठीक। तो ये क्या है, एथनिक एनक्लेव जो है वो क्रिएट करते हैं अल्टरनेटिव मार्केट, लेबर मार्केट, दैट इज एथनिक स्पेसिफिक, जो एथनिक स्पेसिफिक होता है। और ये होस्ट कंट्री यानी कि जिस कंट्री में ये रहते हैं उसकी कल्चरल स्किल या सोशल स्किल की डिमांड नहीं करते हैं, ठीक। परिक्षेत्र एक वैकल्पिक श्रम बाजार है, बाजार का निर्माण करते हैं। तो ये परिक्षेत्र क्या है, एक वैकल्पिक श्रम बाजार का निर्माण करते हैं जो जातीय विशिष्ट होते हैं। तो ये श्रम बाजार जो होते हैं वो जाति के बेस पे होते हैं, जातीय विशिष्ट होते हैं। क्लास के अलावा मैंने बोला था अरिहंट की, आप जो है देखिए, अब 2 महीने चूंकि बचे हैं आपके पास, अरिहंट की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर की, तो उसमें आपके नीचे जो है वो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया होता है, उसमें एक्सप्लेनेशन दिया होता है। तो क्वेश्चन के साथ साथ आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़िए, उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन के साथ साथ जो उससे उस क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड होता है वो भी पता हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके 2-3 क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप वो बुक पूरी पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जा रहे हो आपके हो जाएंगे। उसकी वजह ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कभी भी किसी भी टाइम का पेपर उठा के देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक। बाकी जो हम लोग पीडीएफ दे रहे हैं वो पढ़िए, वो बेस्ट है, ठीक। पीडीएफ जो है वो आपके पूरे सिलेबस को कवर करती है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करती है। आप जब पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे, पीडीएफ पढ़ने के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये सारी चीज़ें जो है पीडीएफ में नहीं है, तो एक तो पीडीएफ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए। वैसे हम लोग कराएंगे लेकिन उसमें मैं सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन में वहाँ पे जो दिया होता है एक्सप्लेनेशन, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। जैसे अगर किसी बुक के बारे में पूछता है क्वेश्चन में, तो वो नीचे जो एक्सप्लेनेशन होता है वो उसमें ये भी लिखा होता है कि इस बुक में उन्होंने किस चीज़ की बात की, तो उससे क्या होता है कि अगर नेक्स्ट टाइम बुक बुक में क्या चीज़ की बात की है वो पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकते हैं आराम से। तो वो बुक ले लीजिए और उससे क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन है उसको छोड़िए मत, उसको पूरी डिटेल में पढ़िए। बाकी और कहीं से पढ़ने की उतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 घंटे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर वो 1 घंटे भी देते हैं आप प्रीवियस ईयर पेपर को, क्योंकि 1 घंटे तो लग ही जाते हैं, 1 से 1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे एक पेपर पढ़ने में, तो उतना इनफ है। बाकी फर्स्ट पेपर में ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन ज़्यादातर जो है जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट पेपर में उतना स्कोर नहीं कर पाते, सेकंड में तो कर ही लेते हैं अपना सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट पेपर में एटलीस्ट आपके 35 क्वेश्चन जो है वो कवर होने चाहिए। 35 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि 70 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाते हैं और यहीं से ज़्यादातर आपके मार्क्स कम होते हैं। सोशोलॉजी में आप 80-90 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, अगर यहाँ पे नहीं कर पाएंगे तो वो आपका स्कोर कम हो जाता है। ठीक है, तो परिक्षेत्र क्या है, एक वैकल्पिक श्रम बाजार का निर्माण करते हैं जो जातीय विशिष्ट होते हैं, जो किसी एक जाति विशिष्ट से बिलोंग करते हैं, संबंधित होते हैं, और मेजबान देश के यानी कि जिस देश में वो रहते हैं उसके सामाजिक और सांस्कृतिक कौशल की मांग नहीं करते हैं। मतलब उसके सामाजिक या सांस्कृतिक कौशल की मांग नहीं करते हैं, मतलब उनकी उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक, वो उसको नहीं अडॉप्ट करते। एकेडमिक इंक्वायरी ऑफ एथनिक एनक्लेव्स बिगेंस विद नीथ विल्सन, ठीक। तो एकेडमिक एथनिक इनक्लेव की जो है पहली बार इंक्वायरी किसने की थी, एकेडमिक इंक्वायरी मतलब इसके बारे में रिसर्च करना या इसके बारे में जानने की कोशिश करना,
ये पहली बार किसने किया था? नीथ विल्सन ने किया था। तो ये नाम याद रखिएगा कि एथनिक इनक्लेव के बारे में किसने स्टडी की थी सबसे पहले? नीथ विल्सन एंड एलेजेंड्रो पोर्स। ठीक, एलेजेंड्रो पोर्स ने की थी और इनकी स्टडी थी क्या? इमिग्रेंट इनक्लेव फॉर्म्ड बाय क्यूबंस इन मियामी। ठीक, तो एक इमिग्रेंट इनक्लेव बना हुआ था जो किसने बनाया था? क्यूबन इन मियामी। इसकी स्टडी इन दोनों ने किया था, नीथ विल्सन एंड एलेजेंड्रो पोर्स ने किया था। ठीक, तो ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए एथनिक इनक्लेव से रिलेटेड। और पहला एथनिक इनक्लेव जिसकी स्टडी की गई थी वो कौन सी थी? इमिग्रेंट इनक्लेव था जो किसने बनाया था? क्यूबंस इन मियामी। ठीक, क्यूबंस ने बनाया था मियामी। ठीक, मियामी में क्यूबंस द्वारा घटित अप्रवासी एनक्लेव के केनेथ विल्सन और एलेजेंड्रो पोर्स के अध्ययन के साथ जातीय परिक्षेत्र की एकाधिक जांच शुरू हुई। तो सबसे पहले जो है इन लोगों ने ही एथनिक एनक्लेव यानी कि जातीय परिक्षेत्र की स्टडी करना शुरू किया था, उसका अध्ययन करना शुरू किया गया था। तो इनका नाम क्या था? केनेथ विल्सन और एलेजेंड्रो पोर्स था। इन्होंने कौन से जातीय परिक्षेत्र की स्टडी की थी? क्यूबंस द्वारा घटित अप्रवासी एनक्लेव की का अध्ययन किया था इन्होंने। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। मिडिल क्लास मध्य वर्ग का अर्बन एरियाज में मिडिल क्लास का इन्वॉल्वमेंट क्या था वो देखते हैं हम लोग, कैसे ये लोग डेवलप हुए। द मिडिल क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन गिवन टू इंडिविजुअल एंड हाउसहोल्ड हु टिपिकली फॉल बिटवीन द वर्किंग क्लास एंड द अपर क्लास विद इन अ सोशियो इकोनॉमिक हायर। तो मिडिल क्लास क्या है? इज अ डिस्क्रिप्शन गिवन टू इंडिविजुअल, एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है जो इंडिविजुअल के बारे में दिया जाता है। वो टिपिकली फॉल बिटवीन द वर्किंग क्लास, जो किस किस के बीच में पाया जाता है? वर्किंग क्लास और अपर क्लास के बीच में पाया जाता है। तो एक ऐसा इंडिविजुअल की पोजीशन बताई जाती है, एक ऐसे इंडिविजुअल की पोजीशन बताई जाती है जो ना ही वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है और ना ही अपर क्लास से बिलोंग करता है, बल्कि इन दोनों के बीच में होता है। ठीक, तो इसको मिडिल क्लास कहा गया। विद इन अ सोशियो इकोनॉमिक हायरार्की, जो भी सोशियो इकोनॉमिक हायरार्की है, तो सोशियो इकोनॉमिक हायरार्की में एक अपर क्लास होती है और एक जो है वर्किंग क्लास होती है, वर्किंग क्लास होती है। तो इन दोनों के बीच में ही क्या होता है? मिडिल क्लास होती है। इन दोनों के बीच में ही मिडिल क्लास होती है। मध्यवर्ग, मध्यवर्ग उन व्यक्तियों और परिवारों को दिया गया विवरण है जो आमतौर पर सामाजिक आर्थिक पदानुक्रम के भीतर श्रमिक वर्ग और उच्च वर्ग के बीच आते हैं। जो आमतौर पर, तो मध्यवर्ग उन व्यक्तियों और परिवारों को दिया जाता है जो वितरण परिवारों को दिया गया वितरण है जो आमतौर पर सामाजिक आर्थिक पदानुक्रम के बीच भीतर श्रमिक वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में आते हैं। तो श्रमिक वर्ग जो सबसे निचला वर्ग होता है और उच्च वर्ग जो ऊंचा वर्ग होता है, उन दोनों के बीच में कौन आता है? मध्यम वर्ग आता है। Karl Marx refers to the middle class as part of the bourgeoisie. तो Karl Marx जो है middle class को part of bourgeoisie कहते हैं। ठीक, ये bourgeoisie के part हैं, या उनको जो है उन्होंने petty bourgeoisie कहा है। ठीक, या उनको उन्होंने petty bourgeoisie कहा है और small business owner कहा है, या small business owner कहा है। Karl Marx ने मध्य वर्ग को पूंजीपति वर्ग अर्थात क्षुद्र पूंजीपति या छोटे व्यवसाय के मालिक के हिस्से के रूप में संदर्भित किया। तो ऐसे लोग भी हैं जो छोटे व्यवसाय करते हैं, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, वो अपर क्लास में तो आते नहीं है, लेकिन वो श्रमिक क्लास भी नहीं है, वर्किंग क्लास भी नहीं है, अपने ही काम में, अपने ही बिजनेस में वो काम कर रहे हैं। ठीक, किसी कहीं पर जो है वो लेबर नहीं बन रहे हैं, ठीक, वर्कर नहीं है कहीं पर, अपने ही बिजनेस में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बिजनेस इतना छोटा है कि वो अपर क्लास में नहीं आ सकते। ठीक, लेकिन वो वर्किंग क्लास में भी नहीं आती क्योंकि वो कहीं पे जाके काम नहीं कर रहे, अपने ही बिजनेस में कर रहे। ऐसे लोगों को मिडिल क्लास में रखा गया और Karl Marx ने इसको, इनको जो है पेटी बार्जोजीस या स्मॉल बिजनेस ओनर कहा। ठीक, Karl Marx ने इनको
क्षुद्र पूजा पूंजीपति या छोटे व्यवसाय के मालिक के रूप में बताया है, मध्यम वर्ग। डिवीजन ऑफ मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का विभाजन कैसे होता है? तो मध्यम वर्ग का जो विभाजन है वो सबसे पहले आता है कमर्शियल मिडिल क्लास। कमर्शियल मिडिल क्लास यानी कि वही आ जाएंगे जो छोटे मोटे बिजनेस ओनर होते हैं, जो बहुत छोटा उनका बिजनेस होता है, अपर क्लास में नहीं आ सकते लेकिन वो वर्किंग क्लास में भी नहीं आते। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं, व्यापारिक मध्यम वर्ग होते हैं। ठीक, व्यापारिक मध्यम वर्ग मतलब जिनके पास छोटे बिजनेस होते हैं, ठीक, छोटे व्यवसाय होते हैं, ऐसे लोगों को कमर्शियल मिडिल क्लास में रखा गया है या व्यापारिक मध्यम वर्ग में रखा गया। दूसरा आता है लैंडेड मिडिल क्लास, उत्तरा मध्यम वर्ग। ठीक, लैंडेड मिडिल क्लास यानी कि जिनके पास लैंड होता है लेकिन इतना नहीं होता है कि वो अपर क्लास में आ जाए। ठीक, लैंड होता है, बहुत कम होता है, स्मॉल अमाउंट लैंड होता है, लेकिन वो अपने ही लैंड पे काम कर रहे होते हैं, कहीं पे वो लेबर नहीं बने हुए होते हैं, वर्कर नहीं बने हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों को लैंडेड मिडिल क्लास कहा जाता है, उत्तरा मध्यम वर्ग कहा जाता है। ठीक, इंडस्ट्रियल मिडिल क्लास यानी कि औद्योगिक मध्यम वर्ग। इंडस्ट्रियल मिडिल क्लास यानी कि औद्योगिक मिडिल, तो जो इंडस्ट्री में मिडिल क्लास है, चाहे वो मैनेजेरियल पोस्ट पे हैं या किसी ऐसी ऊंची पोस्ट पे हैं, हालांकि वो ओनर नहीं है, वो कैपिटलिस्ट में नहीं आते हैं, लेकिन वो वर्कर भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को इंडस्ट्रियल मिडिल क्लास में रखा गया है। नेक्स्ट आता है एजुकेटेड मिडिल क्लास। एजुकेटेड यानी कि शिक्षित मध्यम वर्ग जो होते हैं। तो शिक्षित मध्यम वर्ग कौन हो सकते हैं? जैसे कि प्रोफेसर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो गए, इंजीनियर हो गए और डॉक्टर हो गए, या लॉयर हो गए। तो ये सारे लोग किस में आ जाएंगे? ये एजुकेटेड मिडिल क्लास में आ जाएंगे। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास में आ जाएंगे जिन्होंने शिक्षा के जरिए, एजुकेशन के जरिए अपना वर्किंग क्लास से अपना स्टेटस हाई किया, जिन्होंने एजुकेशन के जरिए अपना स्टेटस हाई किया हो, ऐसे लोग जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास में आ जाते हैं। शिक्षित मध्यम वर्ग। और भी लोग आ जाएंगे जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे ब्यूरोक्रेट्स लोग आ जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाएंगे इसमें। ठीक, तो ये सारे लोग शिक्षित मध्यम वर्ग यानी कि एजुकेटेड मिडिल क्लास में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गेटेड कम्युनिटीज। एक मिनट हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पे देखिए, एक अर्बन मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, क्योंकि ये मिडिल क्लास से ही रिलेटेड है इसलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। अर्बन मिडिल क्लास, दिस ग्रुप इंक्लूडेड द मैनेजर। तो इस ग्रुप में कौन से लोग आते हैं? मैनेजर्स, सेल्समैन, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स एंड अदर सैलरीड प्रोफेशनल, और ऐसे प्रोफेशनल जिनको सैलरी मिलती है, ठीक, जिनको मंथली सैलरी मिलती हो, वो सब लोग जो है अर्बन मिडिल क्लास में आ जाते हैं। हु स्टिल वर्क फॉर अ लिविंग, जो अभी भी जो है लिविंग के लिए काम कर रहे हैं, बट वर सिग्निफिकेंटली बेटर एजुकेटेड, लेकिन ये जो है बेटर एजुकेटेड होते हैं, इनको इनको अच्छी शिक्षा मिली हुई होती है, एंड कंपनसेटेड दैन द वर्किंग क्लास पुअर, और जो है इनकी पोजिशन वर्किंग क्लास पुअर से अच्छी होती है। ठीक, और इनकी पोजिशन वर्किंग क्लास पुअर से अच्छी होती है। तो ऐसे लोग जो मैनेजर्स की पोस्ट पे हैं, सेल्समैन की पोस्ट पे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, या ऐसे लोग जो जो सैलरीड प्रोफेशनल, जो अभी भी काम कर रहे हैं लिविंग के लिए, लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी पोजीशन जो है वो अच्छी होती है वर्किंग क्लास से। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है एजुकेशन होती है, ये एजुकेटेड होते हैं। तो एक तरह से इसको आप कह सकते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास। ठीक,
तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तो आप देखेंगे अर्बन एरियाज में ज्यादातर लोग जो है यही होते हैं, या तो मैनेजर्स होंगे, सेल्समैन होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, जो अच्छी अच्छी जगहों पे काम करते हैं। ठीक, तो ऐसे लोगों की पोजीशन जो है वो मिडिल क्लास में आती है, वर्किंग क्लास में नहीं आती। हालांकि ये वर्क ही कर रहे हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए वर्क ही कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में जाके काम ही तो करेगा। ठीक, लेकिन इनकी जो चूंकि इनका एजुकेशन अच्छा होता है और इनकी पोजीशन जो है वर्किंग क्लास से ऊंची होती है। ठीक, शहरी मध्यम वर्ग, तो शहरी मध्यम वर्ग में कौन आता है? इस समूह में प्रबंधक, सेल्समैन, इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट और अन्य वेतन भोगी पेशेवर शामिल है। ठीक, तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? सेल्समैन, इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट और जितने भी वेतन भोगी पेशेवर शामिल है। वेतन भोगी मतलब जिनको वेतन मिलती है, जो अभी भी आजीविका के लिए काम करते हैं, जो अभी भी क्या करते हैं, आजीविका के लिए, अपने आजीविका के लिए काम तो करते हैं, लेकिन श्रमिक वर्ग के गरीबों की तुलना में काफी बेहतर शिक्षित और मुआवजे वाले होते हैं। ठीक, तो इनको जो पैसा मिलता है वो वर्किंग क्लास से अच्छा मिलता है, श्रमिक वर्ग से अच्छा मिलता है। श्रमिक वर्ग में जो गरीब हैं उनसे अच्छा पैसा इनको मिलता है और उनके पास बेहतर शिक्षा होती है, इसीलिए जो है ये मिडिल क्लास में। तो शहरी मिडिल क्लास मध्यम वर्ग में आप देखेंगे ज्यादातर सेल्समैन, इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट और जो भी वेतन भोगी होते हैं वही पाए जाते हैं। ठीक, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अर्बन मिडिल क्लास की? व्हाई इज द अर्बन मिडिल क्लास इज इम्पोर्टेंट? द मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल इज टिपिकली कोरिलेटेड विद सर्टेन लिविंग कंडीशन। तो मिडिल क्लास की जो लाइफ स्टाइल है वो लिविंग कंडीशन से कोरिलेटेड होती है, सर्टेन लिविंग कंडीशन। अब ये कैसी लिविंग कंडीशन होती है? सच एज डिसेंट हाउसिंग, इनका हाउसिंग जो है वो डिसेंट हाउसिंग होता है एंड बीइंग सिक्योर और बहुत सुरक्षित होते हैं, अफोर्डेबल होता है, इनकी हाउसिंग जो है वो अफोर्डेबल होती है, एक्सेसिबल होती है एंड क्लोज टू अर्बन सेंटर, और ज़्यादातर ये अर्बन सेंटर के क्लोज होती है। ठीक, तो इनका जो रेजिडेंशियल एरिया होता है डिसेंट हाउसिंग होता है, ठीक, और सिक्योर्ड होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, और मतलब इनकी हाउसिंग जो है वो लिविंग कंडीशन जो है वो अफोर्डेबल होती है। ठीक, लिविंग कंडीशन वो अफोर्डेबल होती है, एक्सेसिबल होती है और ये क्लोज होती है अर्बन सेंटर्स। ठीक, शहरी मध्यम वर्ग क्यों महत्वपूर्ण है? मध्यम वर्ग की जीवन शैली आमतौर पर कुछ निश्चित जीवन स्थितियों से संबंधित होती है। तो ये आमतौर पर कुछ निश्चित जीवन स्थितियों से संबंधित होती है, जैसे कि सभ्य आवास। तो इनका आवास जो होता है वो सभ्य होता है और ये सुरक्षित होते हैं। ठीक, ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे सुरक्षित होते हैं। आप देखेंगे कि वर्किंग क्लास जो है वो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे सुरक्षित नहीं होते हैं। ठीक, सुरक्षित जगहों पे वो नहीं रहते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं वो सुरक्षित जगहों पे रहते हैं और किफ़ायती होते हैं। इनकी जो लिविंग कंडीशन होती है वो किफ़ायती और बहुत महंगी नहीं होती, किफ़ायती ही होती है, सुलभ और शहरी केंद्र के करीब होते हैं। ठीक, सुलभ भी होता है और शहरी केंद्र के करीब भी होता है। ठीक, तो ज़्यादातर जो वर्किंग क्लास होती है वो शहरी केंद्र के करीब नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर कहीं किनारे पे ही होते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग है वो शहरी केंद्र के करीब ही होता है। ठीक, द अर्बन मिडिल क्लास नाउ कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट न्यू मार्केट एंड अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर लोकल एंड ग्लोबल कंपनीज। अर्बन मिडिल क्लास ने जो है एक नई मार्केट क्रिएट कर दिया। ठीक, क्योंकि इनकी लाइफ स्टाइल वर्किंग क्लास से थोड़ा अच्छी होती है, थोड़ा ये अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन अच्छी करने के लिए अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। हालांकि ये कैपिटलिस्ट क्लास की तरह नहीं जी पाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, तो इन्होंने एक नई मार्केट क्रिएट कर दिया। ठीक, नई मार्केट क्रिएट किया है जिसकी वजह से ये एक रेवेन्यू का सोर्स बन गया है, एक रेवेन्यू का सोर्स बन गया है किसके लिए? लोकल और ग्लोबल कंपनीज के लिए। लोकल और ग्लोबल कंपनीज के लिए, क्योंकि इन्होंने जब अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना शुरू किया तो इनकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो भी थिंग्स की ज़रूरत थी उसकी डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ गई तो लोकल मार्केट में जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी उनके लिए ये एक रेवेन्यू बन जाएगा, एक रेवेन्यू का सोर्स बन जाएगा, या ग्लोबल कंपनीज जो है वो सारी चीज़ें बनाएंगी जो मिडिल क्लास लोग यूज करते हैं। जो मिडिल क्लास लोग यूज करते हैं, शहरी मध्यम वर्ग अब एक महत्वपूर्ण नया बाजार और स्थानीय और वैश्विक कंपनियों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक,
तो शहरी मध्यम वर्ग ने एक नया बाजार शुरू कर दिया है, ठीक, एक नया बाजार सिस्टम, बाजार प्रणाली शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जीना, ठीक, और जिसकी वजह से मतलब वर्किंग क्लास की तरह नहीं जीना चाहेंगे ना ये, क्योंकि इनके पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो गया है, ठीक, तो इसीलिए क्या करेंगे ये, थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाएंगे, और लाइफ स्टाइल में चेंज लाएंगे तो वो सारी चीजें मार्केट में मिलना जरूरी है, बाजार में मिलना जरूरी है, तो एक नई बाजार की स्थापना इन्होंने की, जिससे किसको फायदा हो रहा है, स्थानीय या वैसे वैश्विक कंपनियां जो है उनको फायदा हो रहा है, उनके लिए एक राजस्व का स्रोत बन गया है, ठीक, उनके लिए ये राजस्व का स्रोत बन गया, ठीक। अब देखते हैं आगे, तो यहां तक हम लोग मिडिल क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे जो भी कॉन्सेप्ट है उससे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे डिवीजन ऑफ मिडिल क्लास, उसके बाद हम लोग देखते हैं गेटेड कम्युनिटीज, गेटेड समुदाय, ठीक। तो आपने देखा होगा शहरों वगैरह में बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज होती हैं जहाँ पे गेट लगे हुए होते हैं, उन्हीं गेट लगे हुए कॉलोनीज को ही गेटेड कम्युनिटीज कहा जाता है, गेटेड समुदाय कहा जाता है। गेटेड कम्युनिटीज आर रेसिडेंशियल एरियाज, तो गेटेड कम्युनिटीज क्या है, रेसिडेंशियल एरियाज है, मतलब रहने की जगह है, विद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, जहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, एक रिस्ट्रिक्शन होता है, आप देखेंगे कि वहाँ के गेट पे जो है एक गेट कीपर बैठा होता है, ठीक, जो क्या करता है सारे लोगों को एक्सेस नहीं देता है उस कॉलोनीज की, उस कम्युनिटी में जाने की, ठीक, तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते, हर कोई वहाँ पे नहीं जा सकता, एक रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है वहाँ पे, इन विच नॉर्मली पब्लिक स्पेसेस आर प्राइवेटाइज, जहाँ पे जो है पब्लिक स्पेसेस जो है वो प्राइवेटाइज होते हैं, ठीक, वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, ठीक, दे आर सिक्योरिटी डेवलपमेंट, ये क्या है, सिक्योरिटी डेवलपमेंट है, वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, विद डिजाइनेटेड पैरामीटर, ठीक, डिजाइनेटेड पैरामीटर मतलब कि हर कोई नहीं जा सकता, एक पैरामीटर वो फॉलो करना होगा, अगर आप उस पैरामीटर में आते हैं तभी आप वहाँ पे जा पाएंगे, यूजुअली वॉल्स और फेंसेस, ज्यादातर जो है वॉल्स और फेंसेस के जरिए उसको कवर किया जाता है, ठीक, ज्यादातर वॉल्स एंड फेंसेस के जरिए कवर किया जाता है, मतलब कि जैसे एक कम्युनिटी है यहाँ पे, ठीक, तो इसको वॉल्स के जरिए कवर कर दिया जाएगा और यहाँ पे एक गेट लगा दिया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, सारे लोग यहाँ पे नहीं जा सकते, तो डेजिग्नेटेड पैरामीटर मतलब कि कोई ना कोई पैरामीटर होता है, एक एरिया तय कर दी जाती है, उस एरिया के अंदर ही जो रिस्ट्रिक्शन है एक्सेस का वो रहता है, ठीक। तो गेटेड कम्युनिटीज आर रेसिडेंशियल एरियाज विथ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस इन विच नॉर्मली पब्लिक स्पेसेस आर प्राइवेटाइज, जहाँ पे पब्लिक स्पेसेस को जो है प्राइवेटाइज किया जाता है, दे आर सिक्योरिटी डेवलपमेंट, ये सिक्योरिटी डेवलपमेंट होते हैं विद डेजिग्नेटेड पैरामीटर, ठीक, तो एक यहाँ पे सिक्योर लोग होते हैं सारे लोग, क्योंकि वॉल्स और फेंसेज लगे होते हैं जिसके अंदर कोई और नहीं जा सकता है, ठीक है। गेटेड समुदाय प्रतिबंधित पहुँच वाले आवासीय क्षेत्र होते हैं, मतलब यहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता है, प्रतिबंधन होता है, ठीक, तो ये आवासीय क्षेत्र होते हैं जिसमें आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों का निजीकरण किया जाता है, जहाँ पे सार्वजनिक स्थान तो होते हैं लेकिन वहाँ पे कोई और नहीं जा सकता है, उसका निजीकरण किया जाता है। वे निर्दिष्ट परिधि वाले सुरक्षा विकास हैं, ठीक, निर्दिष्ट परिधि वाले सुरक्षा विकास हैं जिसमें आमतौर पर दीवारें या बाड़ लगे होते हैं, ठीक, और दीवारों और बाड़ के जरिए उनको अलग किया जाता है और उनके अंदर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि सारे लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, जो लोग वहाँ पे रहते हैं वही वहाँ पे सिर्फ जा सकते हैं, या मतलब उनके स्टेटस से मिलते जुलते जो लोग होंगे वही जा सकते हैं।
कॉजेज ऑफ गेटेड कम्युनिटीज। अब गेटेड कम्युनिटीज की वजहें क्या है, किस वजह से गेटेड कम्युनिटीज का डेवलपमेंट होता है, गेटेड समुदाय के कारण क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल कॉजेज। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल कॉजेज, संरचनात्मक कॉजेज। सबसे पहला कॉज है गेटेड कम्युनिटीज का स्ट्रक्चरल कॉजेज। दूसरा क्या है, फियर ऑफ क्राइम। अब वहाँ पे लोग जो रहते हैं वो डरते हैं अपराध से, क्योंकि आसपास जो अपराध हो रहे हैं उसकी वजह से डरते हैं। तो ऐसे लोग जो है एक क्या बना लेते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं, जहाँ पे गेट लगे हुए होते हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है फेंसेज वॉल्स के जरिए, ठीक, बाड़ या मतलब दीवारों के जरिए उसको कवर कर लिया जाता है। तो वहाँ पे क्राइम करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जो भी जाएगा वो गेट की तरफ से जाएगा और गेट की तरफ से सारे लोगों को जाना अलाउ नहीं होता है, ठीक। तो क्राइम के डर से अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा क्राइम होता है तो वहाँ पे कुछ जो अच्छी पोजीशन वाले लोग होते हैं वो एक तरह से गेटेड कम्युनिटीज़ का निर्माण करने लगते हैं, ठीक। तो फियर ऑफ क्राइम एक रीज़न है गेटेड कम्युनिटीज़ का। अपराध के डर से भी गेटेड कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट होता है। सर्च फॉर अ बेटर लाइफ स्टाइल, एक बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो जो कम्युनिटीज होती हैं वो अच्छी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होती हैं और अच्छे स्टेटस वाले लोग ही वहाँ पे रहते हैं। कॉलोनीज वगैरह में ज़्यादातर अच्छे स्टेटस वाले लोग रहते हैं, तो बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए भी लोग वहाँ पे जाके रहते हैं, ठीक। बेहतर जीवन शैली की तलाश करने के लिए भी लोग वहाँ पे जाकर रहते हैं, ठीक, ताकि उनकी जीवन शैली अच्छी हो, ठीक, बेहतर हो। सर्च फॉर बेटर लाइफ स्टाइल, तो ये रिपीट हो गया, ठीक। तो बेटर लाइफ स्टाइल के सर्च में भी ये लोग जाकर वहाँ पे रहते हैं गेटेड कम्युनिटीज। तो तीन वजहें हैं, एक तो स्ट्रक्चरल कॉज है, दूसरा फियर ऑफ क्राइम, तीसरा है सर्च फॉर बेटर लाइफ स्टाइल। संरचनात्मक कारण, अपराध का डर, बेहतर जीवन शैली की तलाश, ठीक। नेक्स्ट आता है अर्बन मूवमेंट, यानी कि शहरी आंदोलन। अर्बन मूवमेंट यानी शहरी आंदोलन। अर्बन मूवमेंट आर सोशल मूवमेंट थ्रू विच सिटीजन अटेम्प्ट टू अचीव सम कंट्रोल ओवर देन अर्बन एनवायरनमेंट, ठीक। तो अर्बन मूवमेंट क्या है, एक ऐसा सोशल मूवमेंट है जिसके जरिए जो वहाँ के सिटीजन हैं वो कोशिश करते हैं कि अर्बन एनवायरनमेंट में कुछ कंट्रोल पा सके, अर्बन एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ कंट्रोल पा सके, इस वजह से अर्बन मूवमेंट होता है। तो अर्बन मूवमेंट एक ऐसा सोशल मूवमेंट है जिसमें लोग इसलिए मूवमेंट करते हैं कि अर्बन जो एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल उनके ऊपर आ जाए, ठीक। शहरी आंदोलन सामाजिक आंदोलन है जिसके माध्यम से नागरिक अपने शहरी वातावरण पर कुछ नियंत्रण हासिल करने का प्रयास करता है। तो अपने शहरी वातावरण पर कुछ नियंत्रण हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो ये ऐसा सामाजिक आंदोलन है जिसके माध्यम से वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, यानी कि वहाँ के जो नागरिक हैं, वो वहाँ के शहरी वातावरण पर कुछ नियंत्रण हासिल करने के लिए ये इस तरह के आंदोलन करते हैं, जिसको शहरी आंदोलन कहा जाता है। द अर्बन एनवायरनमेंट कंप्राइजेज द बिल्ट एनवायरनमेंट। अर्बन एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, बिल्ट एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट जो बनाया हुआ होता है, ठीक। द सोशल फैब्रिक्स ऑफ द सिटी, सोशल फैब्रिक ऑफ द सिटी एंड द लोकल पॉलिटिकल प्रोसेस, और वहाँ का जो लोकल पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, तो इन सब पे कंट्रोल करने के लिए, अर्बन एनवायरनमेंट पे कंट्रोल करने के लिए सोशल मूवमेंट होता है। तो अर्बन एनवायरनमेंट होता क्या है, जो बिल्ट एनवायरनमेंट है या द सोशल फैब्रिक ऑफ द सिटी, जो सिटी का जो सोशल फैब्रिक होता है वो, या पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उस जगह का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो, ठीक। शहरी वातावरण में निर्मित वातावरण, ठीक। तो शहरी वातावरण में कौन कौन सी चीज आ जाती है शहरी वातावरण में, तो निर्मित वातावरण, शहर का सामाजिक ताना बाना, ठीक। तो शहर का जो सामाजिक ताना बाना होता है और स्थानीय राजनीतिक प्रक्रिया शामिल होती है, ठीक। इन सारी चीजों पे कंट्रोल करने के लिए जो मोमेंट होते हैं उसी को शहरी आंदोलन कहा जाता है। इन सब पे कंट्रोल करने के लिए जो आंदोलन होते हैं उसी को शहरी आंदोलन कहा जाता है, या ऐसी चीजों पे इन सब इन्वायरमेंट में कंट्रोल करने के लिए जो भी मोमेंट होते हैं उसी को अर्बन मोमेंट कहा जाता है, ठीक। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है, हम लोग का नेक्स्ट यूनिट जो है उसमें मोमेंट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे उसमें। कैशल एलिजेंटली आइडेंटिफाइज थ्री कोर थीम्स ऑफ मॉडर्न अर्बन सोशल मोमेंट।
मैनुअल कैशल का नाम सुना होगा आपने, हम लोगों ने पढ़ा है 26 थिंकर में मैनुअल कैशल के बारे में, जिन्होंने एक बुक लिखी थी अर्बन क्वेश्चन के नाम से, अर्बन क्वेस्ट के नाम से, ठीक। तो वो मैनुअल कैशल ने ही तीन थीम बताई हैं अर्बन सोशल मूवमेंट, ठीक। कैशल एलिगेंटली आइडेंटिफाइज थ्री कोर थीम ऑफ मॉडर्न अर्बन एंड सोशल मूवमेंट, मॉडर्न अर्बन सोशल मूवमेंट, ठीक। मैनुअल कैशल ने आधुनिक शहरी सामाजिक आंदोलन के तीन मुख्य विषयों की विशिष्टता से पहचान की, ठीक। तीन मुख्य विषयों की शिष्टता से पहचान की है अर्बन मूवमेंट का, अर्बन यानी कि शहरी आंदोलन, ठीक। तो सबसे पहले आता है कलेक्टिव कंजप्शन, कलेक्टिव कंजप्शन सामूहिक उपभोग, यानी कि जो कंजप्शन होता है वो कलेक्टिव कंजप्शन होता है, सामूहिक उपभोग होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, डिफेंस ऑफ कल्चरल टेरिटोरियल आइडेंटिटीज, जो कल्चरल टेरिटोरियल आइडेंटिटीज होती हैं उसको डिफेंस करने के लिए मोमेंट होता है, ठीक। सांस्कृतिक क्षेत्रीय पहचान की रक्षा करने के लिए भी आंदोलन होता है, सांस्कृतिक क्षेत्रीय पहचान करने के लिए भी आंदोलन होता है, तो ये भी एक कारण है आंदोलन का, शहरी आंदोलन का या सोशल मूवमेंट का। लोकल गवर्नमेंट एज अ टारगेट फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ठीक। लोकल गवर्नमेंट क्या है, एक टारगेट फॉर टारगेट होता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए, ठीक। राजनीतिक लामबंदी के लक्ष्य के रूप में स्थानीय सरकार होती है, ठीक। राजनीतिक लामबंद के लक्ष्य के रूप में स्थानीय सरकारें होती हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर शहरी आंदोलन होते हैं अकॉर्डिंग टू मैनुअल कैशल, ठीक। मैनुअल कैशल ने ये तीन थीम बताए हैं सोशल मूवमेंट, तो ये तीनों थीम आपको याद होना चाहिए। पहला क्या है, कलेक्टिव कंजप्शन, दूसरा डिफेंस ऑफ कल्चरल टेरिटोरियल आइडेंटिटी, तीसरा लोकल गवर्नमेंट एज अ टारगेट फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पहला है सामूहिक उपभोग, दूसरा है सांस्कृतिक क्षेत्रीय पहचान की रक्षा, तीसरा राजनीतिक लामबंदी के लक्ष्य के रूप में स्थानीय सरकार। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अर्बन वायलेंस। अर्बन वायलेंस क्या है, अर्बन वायलेंस इज सीमिंगली एवरीवेयर इन डस्टी बॉर्डर टाउन्स एंड कॉन्क्रीट इनर सिटीज, स्प्रॉलिंग इनफॉर्मल सेटलमेंट एंड सेक्लूडेड गेटेड कम्युनिटीज, डार्क एलिवेज एंड बिजी डिमोन्स्ट्रेशंस, फास्ट जेंट्रीफाइंग नेबरहुड एंड डिलेपिडेटेड साइट्स, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, लीफी रेसिडेंशियल स्ट्रीट एंड स्टिग्मेटाइज्ड बैनलीस, इन सब जगहों पे अर्बन वायलेंस होता है। हिंदी में हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा सही से समझ में आएगा इसमें। शहरी हिंसा क्या है, शहरी हिंसा प्रतीत होता है हर जगह होती है, तो शहरी हिंसा कहाँ पे होती है, अर्बन वायलेंस कहाँ पे होता है, हर जगह पे होता है, चाहे वो धूल भरे सीमावर्ती कस्बे हों, ठीक, या ठोस आंतरिक शहर हों, ठीक, या अंदर की, जो अंदर के शहर हों, बहुत भरे घने शहर जो होते हैं वो भी, उन जगहों पे भी हिंसाएं होती हैं, वायलेंस होती हैं। अनौपचारिक बस्तियां जो होती हैं वहाँ पे भी वायलेंस होता है, और एकांत गेटेड समुदाय जो होते हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ में भी वायलेंस होता है, ठीक, गेटेड कम्युनिटीज़ में भी वायलेंस होता है। अंधेरी गलियां जो होती हैं शहरों में, वहाँ पे भी वायलेंस होता है, और वेस्ट जगहें होती हैं वहाँ पे भी वायलेंस होता है, प्रदर्शनों की जगह जो होती है वहाँ पे भी वायलेंस होता है, वहाँ पे भी हिंसा होती है। तेजी से बढ़ते पड़ोस और जीर्ण शीर्ष स्थल जो होते हैं वहाँ पे भी वायलेंस होते हैं। भविष्य के व्यापारिक जिलों, ऐसे व्यापारिक जिले जो भविष्य में बिजनेस मॉडल बनने वाले हैं, वहाँ पे भी ज़्यादातर हिंसा होती है। पत्तेदार आवासीय सड़कें जो होती हैं, जो हरी भरी सड़कें होती हैं, आपने देखा होगा अगल बगल पेड़ वगैरह लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हरी भरी सड़कें होती हैं, वो अंदर जो है पूरा एक सुरंग की तरह होता है, ठीक। तो वो पत्तेदारी आवासीय सड़कें जो होती हैं वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे भी हिंसाएं होती हैं, वहाँ पे भी वायलेंस होता है, और कलंकित प्रतिबंधियों में इन सब जगहों पे जो है वायलेंस होते हैं। तो शहरों में जो वायलेंस होते हैं वो हर जगह होते हैं, यहाँ पे पूरा बताया गया है कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक, तकरीबन शहर के हर हिस्से कवर होते हैं इसमें, ठीक। ऐसे वायलेंस जो शहर में हो रहे हैं उसको अर्बन वायलेंस कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अर्बन फ्रिंज का।
अर्बन फ्रिंज। अब ये अर्बन फ्रिंज क्या है? इट इज एन एरिया दैट सिचुएटेड बिटवीन अर्बन एंड रूरल सिस्टम। एक ऐसा एरिया है जो अर्बन और रूरल सिस्टम के बीच में होता है, जैसे कि ये अर्बन एरिया है क्योंकि ये डिसाइडेड है, अर्बन एरिया है। मैं हम लोगों ने कल कंडीशन पढ़ा था कि किसी एरिया को अर्बन एरिया डिसाइड करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो ये अर्बन एरिया है। ठीक, अब जरूरी थोड़ी कि इसके बगल में जो एरिया है वो भी अर्बन हो सकता है, कि वो सारी कंडीशन फुलफिल ना कर रहा हो, तो ये रूरल एरिया हो गया। रूरल एरिया, इसके बीच का जो ये हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? अर्बन फ्रिंज कहलाएगा। इट इज एन एरिया दैट सिचुएटेड बिटवीन अर्बन एंड रूरल सिस्टम। तो समझ में आ गया क्या होता है अर्बन फ्रिंज? इट इज एन एरिया दैट सिचुएटेड बिटवीन अर्बन एंड रूरल सिस्टम। अर्बन और रूरल सिस्टम के बीच में जो एरिया होता है उसी को अर्बन फ्रिंज कहा जाता है। द टर्म अर्बन फ्रिंज अपियर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो अर्बन फ्रिंज का टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज किया था? अपियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1937। तो 1937 को पहली बार ये अपियर हुआ था। कब? व्हेन टीएल स्मिथ यूज इट टू सिग्निफाई द बिल्ट अप एरिया जस्ट आउटसाइड द कॉर्पोरेट लिमिट ऑफ द सिटी। तो कॉर्पोरेट और लिमिट ऑफ द सिटी के बाहर जो एरिया जो है बिल्ट अप हुई है उनको सिग्निफाई करने के लिए टीएल स्मिथ ने अर्बन फ्रिंज का वर्ड यूज किया था। तो जनरली आपको ये समझना है कि अर्बन फ्रिंज का वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? टीएल स्मिथ ने किया था। कब किया था? 1937 में किया था। इसलिए किया था जो बिल्डअप एरिया थी आउटसाइड द कॉर्पोरेट लिमिट ऑफ द सिटी। तो जो एक कोई भी सिटी होती है उसकी एक कॉर्पोरेट लिमिट होती है, एरिया डिसाइड होता है उसका। ठीक है, उस लिमिट के बाहर जो एक एरिया बिल्डअप हो रही थी उसको सिग्निफाई करने के लिए टीएल स्मिथ ने 1937 में अर्बन फ्रिंज वर्ड का इस्तेमाल किया। अर्बन फ्रिंज क्या है? एक ऐसा क्षेत्र है जो शहरी और ग्रामीण व्यवस्था के बीच स्थित है। तो मैं बता चुका हूँ एक शहर है और एक ग्रामीण है, उनके बीच में जो एरिया होता है उसके बीच में जो क्षेत्र होता है उसी को अर्बन फ्रिंज कहा जाता है। तो अर्बन फ्रिंज एक ऐसा क्षेत्र है जो शहरी और ग्रामीण व्यवस्था के बीच स्थित होता है। अर्बन फ्रिंज शब्द पहली बार 1937 में, तो अर्बन फ्रिंज का शब्द पहली बार 1937 में सामने आया था जब टीएल स्मिथ ने इसका उपयोग शहर की कॉर्पोरेट सीमाओं के ठीक बाहर निर्मित क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया था। तो शहर की एक कॉर्पोरेट सीमा होती है, इसके बाहर जो एक निर्मित क्षेत्र बन रहा था उसी को दर्शाने के लिए टीएल स्मिथ ने अर्बन फ्रिंज का शब्द उपयोग किया था। कब किया था? 1937 यानी कि 1937 में किया। ठीक, तो एक ऐसा क्षेत्र है जो शहरी और ग्रामीण व्यवस्था के बीच स्थित है। अर्बन फ्रिंज शब्द पहली बार 1937 में सामने आया जब टीएल स्मिथ ने इसका उपयोग शहर की कॉर्पोरेट सीमाओं के ठीक बाहर निर्मित क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया था। ठीक, तो समझ में आ गया अर्बन फ्रिंज क्या होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सब अर्बनाइजेशन, उपनगरीकरण। अर्बनाइजेशन यहाँ पे भी देखिए टी आई ओ एन लगा है, तो मैंने बताया कि जहाँ पे टी आई ओ एन लगा वो क्या हो जाएगा? एक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, वो क्या है? एक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, सब अर्बनाइजेशन क्या है या उपनगरीकरण क्या है? सब अर्बनाइजेशन दोनों मतलब यहाँ पे एस और जेड है तो दोनों एक ही वर्ड है। ठीक, सब अर्बनाइजेशन इस अ पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रल अर्बन एरियाज इनटू सब अर्बन। ठीक, अगर सेंट्रल अर्बन एरियाज से पॉपुलेशन जो है शिफ्ट होकर सब अर्ब एरियाज की तरफ मूव करती है, ठीक, जो उतना अर्बन नहीं है, सब अर्ब मतलब जो उतना पूरी तरीके से अर्बन नहीं है, तो जो सेंट्रल अर्बन एरियाज हैं यानी कि जो पूरी तरीके से अर्बन डेवलप एरियाज हैं वहाँ से अगर पॉपुलेशन जो है उठकर सब अर्ब एरियाज की तरफ जाती है तो इसी को सब अर्बनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, सब अर्बनाइजेशन इज अ पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रल अर्बन एरियाज इनटू सब अर्ब रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सब अर्बन स्प्रॉल, जिसकी वजह से सब अर्बन स्प्रॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि एक एरिया होती है
जैसे मान लेते हैं एक शहर है लखनऊ, लखनऊ शहर के बाहर भी अब बस्तियां बनने लगी, ठीक। तो जो लोग सेंट्रल लखनऊ में रहते होंगे वो भी सोचेंगे कि बाहर जो है जो ज़मीनें हैं जो अगर सस्ती हैं, पहले यहाँ पे किराए पे लोग हो सकता है रह रहे हैं, तो यहाँ से मूव करके उन जगहों पे खुद ज़मीन खरीद के बनवा के रहने लगे। तो एक तरह से क्या है, सबर्ब एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर कोई सेंट्रल अर्बन एरियाज से मूव करके सब अर्बन एरियाज तक जाता है और वहाँ पे रहने लगता है तो उसको क्या कहा जाता है, सब अर्बनाइजेशन कहा जाता है। और इस प्रोसेस की वजह से ही सब अर्बन स्प्रॉल जो है वो क्रिएट होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक। उपनगरीकरण या उपनगरीकरण केंद्रीय शहरी क्षेत्र से उपनगरों में आबादी का स्थानांतरण है, ठीक। तो जब केंद्रीय शहरी क्षेत्रों से लोग जो है उपनगरों में आबादी का मतलब उपनगरों की तरफ जाने लगे, ठीक, जब केंद्रीय शहरी क्षेत्र से लोग उपनगरों की तरफ जाने लगे तो इसको ही उपनगरीकरण कहा जाता है। और इसी के परिणाम स्वरूप ही उप शहरी फैलाव का निर्माण होता है, ठीक। उप शहरी फैलाव मतलब अब सब अर्बन एरिया छोटी थी, अब लोग जब सेंट्रल एरिया से भाग के यहाँ आने लगे तो ये एरिया बढ़ती जाएगी ना, इसीलिए कहते हैं कि उप शहरी फैलाव, उप शहर का फैलाव होने लगता है, ठीक। सब अर्बन स्प्रॉल होने लगता है, ठीक। स्प्रॉल मतलब किसी चीज़ का बढ़ना। तो सब अर्बनाइजेशन समझ में आ गया क्या हो गया, अगर एक सेंट्रल अर्बन एरियाज से पॉपुलेशन मूव करती है सब अर्बन एरियाज की तरफ तो उसको सब अर्बनाइजेशन कहा जाता है। अगर एक केंद्रीय नगर से नगरीय क्षेत्र से लोग जो है उपनगरीय क्षेत्र की तरफ मूव करते हैं जाते हैं तो उसको उपनगरीकरण कहा जाता है, ठीक। सब अर्ब किसको कहते हैं, उपनगर किसको कहते हैं, an area where people live that is outside the central part of the town or city. Suburban क्या है, एक ऐसा area है जो town और city के outside होता है, जैसे ये city है या town है, ठीक, इसके outside जो है suburban होता है। एक ऐसा area है, होता है जहाँ पे लोग जो है central part of town और city के बाहर रहते हैं, ठीक। City के आसपास जुड़े हुए जो areas होते हैं उन्हीं को suburb कहा जा सकता है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ लोग रहते हैं जो किसी कस्बे या क्षेत्र के मध्य भाग से बाहर होता है, ठीक, जो किसी कस्बे या क्षेत्र के मध्य भाग से बाहर होता है उसी को क्या कहा जाता है, उपनगर कहा जाता है। उपनगर क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग रहते हैं जो किसी कस्बे या शहर के मध्य भाग से बाहर होता है, ठीक। और अगर लोग जो है शहरी क्षेत्र से यानी कि सेंट्रल शहर से सेंट्रल अर्बन एरियाज से सब अर्ब की तरफ जाते हैं तो उसको सब अर्बनाइजेशन कहा जाता है। अगर कोई जो है मध्य शहरी क्षेत्र से उपनगर की तरफ जाता है तो उसको उपनगरीकरण कहा जाता है। समझ में आ गया दोनों क्या होता है, उपनगर या उपनगरीकरण। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव। तो ग्लोबल विलेज क्या है, द टर्म ग्लोबल विलेज वाज कॉइन्ड बाय मार्शल मैक्लुहन, ठीक। तो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट जो है वो टर्म जो है वो किसने कॉइन किया था, मार्शल मैक्लुहन ने कॉइन किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा गया, एक दो बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। तो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट जो है वो मार्शल मैक्लुहन ने टर्म क्वाइन किया था। द टर्म ग्लोबल विलेज वॉज क्वाइन बाई मार्शल मैक्लुहन, इट इज अ टर्म दैट कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्मॉल विलेज। तो एक ऐसा टर्म है जो क्या करता है, वर्ल्ड को एक स्मॉल विलेज के साथ कंपेयर करता है, वर्ल्ड को एक स्मॉल विलेज के साथ कंपेयर करता है। उसी का नाम दिया है मार्शल मैक्लुहन ने ग्लोबल विलेज का, वेयर फास्ट एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन अलाउज न्यूज टू रीच क्विकली, जहाँ पे जो है जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, न्यूज़ को जल्दी पहुंचने में मदद करता है। तो ग्लोबल ग्लोबल विलेज मतलब किसी विलेज के बारे में इन्होंने ग्लोबल विलेज नहीं कहा था, बल्कि पूरे वर्ल्ड को इन्होंने ग्लोबल विलेज कहा, जहाँ पे क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम इतना डेवलप हो गया है कि न्यूज़ बहुत जल्दी पहुँच जाती है। तो चूँकि मतलब जो टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से न्यूज़ वगैरह जो है वो बहुत तेज़ी से फैलने लगी, इसीलिए पूरे वर्ल्ड
मार्शल मैक्लुहन ने क्या कहा कि ये क्या है, ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज किसी एक विलेज के बारे में नहीं कहा उन्होंने, बल्कि पूरे वर्ल्ड को उन्होंने कंपेयर किया है एक विलेज के तौर पर, और कहा है कि यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन बहुत तेजी से, कम्युनिकेशन की वजह से, मॉडर्न कम्युनिकेशन की वजह से जो है यहाँ पे न्यूज़ जो है वो बहुत तेजी से फैल रही है। तो द टर्म ग्लोबल विलेज वॉज कॉइन्ड बाय मार्शल मैक्लुहन। इट इज अ टर्म दैट कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्मॉल विलेज वेयर फास्ट एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन अलाउज न्यूज टू रीच क्विकली। ठीक है, वैश्विक गाँव क्या है? एक वैश्विक गाँव का शब्द जो है वो मार्शल मैक्लुहन द्वारा गढ़ा गया है। ये एक ऐसा शब्द है जो दुनिया की तुलना एक छोटे गांव से करता है, मतलब दुनिया को एक छोटे गांव से तुलना किया जाता है। ठीक, एक छोटे गांव से तुलना मतलब पूरी दुनिया को एक छोटा गांव बता दिया गया मार्शल मैक्लुहन के जरिए, और कहा गया कि यहाँ पे जो आधुनिक संचार है उसकी वजह से समाचारों को जल्दी पहुँचने की अनुमति होती है। ठीक, उसकी वजह से जो समाचार हैं वो जल्दी पहुँच जाते हैं। तो चूँकि एक विलेज में क्या है, एक विलेज एक ऐसा छोटा एरिया होता है, एक गांव जो है छोटा एरिया होता है, वहां पे समाचार पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी पहुंच जाएगा पूरे गांव में अगर समाचार पहुंचाना हो, तो इसीलिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड को जो है वैश्विक गांव कह दिया। क्योंकि अब जो है न्यूज वगैरह बहुत स्लो में नहीं मूव करती हैं, बल्कि बहुत जल्दी पहुँच जाती हैं, समाचार वगैरह जो है बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, क्योंकि आधुनिक संचार की जो आधुनिक संचार है वो बहुत ही तेजी से काम करता है, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत तेजी से काम करती हैं, जिस वजह से न्यूज जो है बहुत आसानी से फैलती है, इसीलिए इसको जो है उन्होंने ग्लोबल विलेज या वैश्विक गांव कहा। तो समझ में आ गया क्या होता है वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद। रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद। तो ये रीजनलिज्म या क्षेत्रवाद क्या होता है? रीजनलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट सीक्स टू इंक्रीज द पॉलिटिकल पावर। तो रीजनलिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। ठीक, जो पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज करना चाहता है। तो रीजनलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट सीक्स टू इंक्रीज द पॉलिटिकल पावर इन्फ्लुएंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन को इंक्रीज करने के लिए जो क्या काम करता है, ये रीजनलिज्म काम करता है। ऑफ द पीपल ऑफ वन आर मोर सब नेशनल पीपल। ठीक, तो ये कौन से लोग करते हैं? ऐसे पीपल करते हैं जो एक या उससे ज़्यादा सब नेशनल रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो रीजनलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट सीक्स टू इंक्रीज द पॉलिटिकल पावर इन्फ्लुएंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ वन आर मोर सब नेशनल रीजन। ठीक, तो क्षेत्रवाद एक ऐसा राजनीतिक एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो एक या एक से अधिक उपराष्ट्रीय क्षेत्रों के लोगों की राजनीतिक शक्ति, प्रभाव और आत्मनिर्णय को बढ़ाने का प्रयास करती है। तो ये क्या करती है? राजनीतिक शक्तियों को बढ़ाने की, पर अपने प्रभाव को बढ़ाने की, अपने आत्मनिर्भर निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। तो क्षेत्रवाद क्या है? एक राजनीतिक विचारधारा है जो एक या एक से अधिक उपराष्ट्रीय क्षेत्रों के लोग होते हैं इसमें, ठीक, जो क्या करते हैं, अपनी राजनीतिक शक्ति, प्रभाव और आत्मनिर्भर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, इसी को क्षेत्रवाद कहा जाता है। मेन कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया में रीजनलिज्म का मेन कॉज क्या है, भारत में क्षेत्रवाद के मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेस पे जो है रीजनलिज्म हुआ है। भारत में जो स्टेट हुए हैं वो भी लैंग्वेज के बेस पे हैं। जैसे मलयालम बोलने वालों ने केरला बना लिया, मराठी बोलने वालों ने महाराष्ट्र बना लिया। ठीक, इसी तरह से जो है लैंग्वेज के बेस पे रीजनलिज्म इंडिया में होता है, भाषा के बेस पर। ठीक, मराठी बोलने वालों ने महाराष्ट्र बना लिया और मलयालम बोलने वालों ने क्या बना लिया, केरला बना लिया। उसी तरह से सारे जो स्टेट हैं वो किसी न किसी बेसिस पे लैंग्वेज के बेस पे ही बने। तो लैंग्वेज एक मेन कॉज है रीजनलिज्म इंडिया में। इंडिया में क्षेत्रवाद का, भारत में क्षेत्रवाद का मुख्य कारण जो है वो क्या है? लैंग्वेज है। उसके बाद आता है रिलीजन। रिलीजन भी जो है भारत में क्षेत्रवाद का एक मेन कॉज है। ठीक, रिलीजन भी भारत में क्षेत्रवाद का एक मेन कॉज है। तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ऑप्शन में दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है मेन कॉज नहीं है रीजनलिज्म का इंडिया में। ठीक,
तो लैंग्वेज है, रिलीजन है यानी कि भाषा है, और धर्म है, और क्या चीजें हैं? ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। उसके बाद आता है रीजनल कल्चर, क्षेत्रीय संस्कृति क्या होती है। रीजनल कल्चर यानी कि क्षेत्रीय संस्कृति, रीजनल कल्चर, क्षेत्रीय संस्कृति, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आर्थिक पिछड़ापन होता है इसमें। राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विद द रीजनल और रीजनलिस्टिक एजेंडा, तो ये सब कॉजेज हैं। ये रीजनल कल्चर की वजह से भी जो है इंडिया में रीजनलिज्म होता है। ठीक, अलग अलग कल्चर होते हैं, एक एक रीजन के अलग अलग कल्चर होते हैं। तो ये हेडिंग नहीं है, ठीक है, ये गलती से हेडिंग हो गई है, ये हेडिंग है नहीं। ठीक, तो ये दो कॉजेज हैं। पहला है भाषा यानी कि लैंग्वेज, दूसरा है रिलीजन यानी कि धर्म, तीसरा है रीजनल कल्चर। हर रीजन का अलग अलग कल्चर होता है, और कल्चर के बेस पे जो है इंडिया में रीजनलिज्म होता है यानी कि क्षेत्रीकरण होता है, क्षेत्रवाद होता है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से भी रीजनलिज्म होता है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से भी रीजनलिज्म होता है, आर्थिक पिछड़ापन की वजह से भी रीजनलिज्म होता है। राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विद अ रीजनलिस्टिक एजेंडा, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो है बनी है जिन्होंने रीजनलिस्टिक एजेंडे के तौर पे काम किया। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां बनी हैं जिन्होंने रीजनलिस्टिक एजेंडे के तौर पे काम किया है, जिसकी वजह से भी रीजनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में। क्षेत्रीय एजेंडे के साथ राजनीतिक दलों का उदय, तो ऐसे राजनीतिक दलों का उदय हुआ जो क्षेत्रीय एजेंडों के साथ उठे हैं। तो ये भी एक मतलब मेन कॉज है, मेन कारण है किसका, क्षेत्रवाद का भारत में। ठीक, तो भारत में क्षेत्रवाद का मेन कारण ये भी है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कई सारी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो क्षेत्रीय एजेंडे के साथ उठती हैं। ठीक, आर्थिक पिछड़ापन की वजह से भी होता है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की भी वजह से होता है। तो ये सारे कॉज हैं रीजनलिज्म के, आपको सारे कॉज पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये सारे कॉज पूछे जाते हैं। फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद की चार विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? क्षेत्रवाद की चार विशेषताएं, फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद की चार विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद की चार विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आता है द लिंग्विस्टिक अफिनिटी, भाषाई आत्मीयता होती है, लैंग्वेज के बेस पे होती है, एक लैंग्वेज होती है जो भी रीजनलिज्म होते हैं उसमें। ठीक, भाषाई आत्मीयता होती है इसमें। द डिस्पैरिटीज इन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जो है वो डिस्पैरिटीज होती है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में डिस्पेरिटीज होती हैं, आर्थिक पहलों में असमताएं होती हैं।
आर्थिक पहलू में असमताएं होती हैं, डाइवर्सिटीज होती है, विविधता होती है, डाइवर्सिटीज यानी कि विविधता होती है, द स्प्रेड ऑफ सोशल इनजस्टिस, ठीक, सोशल इनजस्टिस का स्प्रेड होता है रीजनलिज्म, सामाजिक अन्याय का प्रसार होता है क्षेत्रवाद में, ठीक। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रीजनलिज्म की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अर्बन सोशोलॉजी, अर्बन सोशोलॉजी शहरी समाज शास्त्र, अर्बन सोशोलॉजी यानी कि शहरी समाज शास्त्र। अर्बन सोशोलॉजी इज द सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन इंटरेक्शन इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो अर्बन सोशोलॉजी इज द स्टडी, इज द सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन इंटरेक्शन इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। मेट्रोपॉलिटन एरियाज में अगर आप जो है सोशोलॉजिकल स्टडी करते हैं लाइफ की या ह्यूमन इंटरेक्शन की, तो इसको अर्बन सोशोलॉजी कहा जाता है, ठीक। शहरी समाजशास्त्र महानगरीय क्षेत्रों में जीवन और मानव संपर्क का समाजशास्त्रीय अध्ययन। शहरी समाजशास्त्र महानगरीय क्षेत्रों में जीवन और मानव संपर्क का समाजशास्त्रीय अध्ययन। अगर जो है आप जीवन और मानव संपर्क का समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं कहाँ पे, शहरी क्षेत्रों में, महानगरीय क्षेत्रों में, तो इस चीज को क्या कहेंगे, शहरी समाजशास्त्र कहेंगे, ठीक। इसको क्या कहेंगे, शहरी समाजशास्त्र कहेंगे। नोटेबली जॉर्ज सिमेल इज वाइडली कंसिडर द फादर ऑफ अर्बन सोशोलॉजी। तो जॉर्ज जिमेल को ही कहा जाता है फादर ऑफ अर्बन सोशोलॉजी। तो ये याद रखिएगा, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड इन हिज वर्क सच एज द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। क्योंकि इन्होंने इनका जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे वर्क इन्होंने किए हैं अर्बन लाइफ के ऊपर, जिसमें एक है द मेट्रोपोलिस एंड द मेंटल लाइफ, ठीक, पब्लिश इन 1903, जो 1903 में पब्लिश हुई, मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ जो अर्बन सोशोलॉजी से रिलेटेड है। तो इनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से जॉर्ज सिमेल को फादर ऑफ अर्बन सोशोलॉजी माना जाता है, ठीक। विशेष रूप से 1903 में प्रकाशित द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, तो 1903 में प्रकाशित द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ जैसे कार्यों में क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जॉर्ज सिमेल को व्यापक रूप से शहरी समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। तो व्यापक रूप से शहरी समाजशास्त्र का जनक किसको माना जाता है, जॉर्ज सिमेल को माना जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं, ठीक, बहुत सारा योगदान है इनको शहरी समाज क्षेत्र में, जिसमें एक आता है जो 1903 में प्रकाशित हुआ था द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ जो है ये किसका वर्क है, तो ये जॉर्ज सिमेल का। तो आप याद रखिएगा इसको, मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। फीचर्स ऑफ अर्बन सोसाइटी, समाज शहरी समाज की विशेषताएं क्या होती है। द अर्बन सोसाइटी इज हेट्रोजीनियस नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड कम्प्लेक्सिटी, ठीक। तो ये हेट्रोजीनियस होती है, होमोजीनियस नहीं होती है। रूरल एरियाज जो है वो होमोजीनियस होते हैं, लेकिन अर्बन सोसाइटी जो है वो हेट्रोजीनियस होती है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको, हेट्रोजीनियस मतलब कि वहाँ पे सारे लोगों का ऑक्यूपेशन अलग होता है, लाइफ स्टाइल अलग होती है, स्टेटस अलग होता है, क्लास अलग होती है, ठीक। द अर्बन सोसाइटी इज हेट्रोजीनियस नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक, जो किसके बारे में जानी जाती है, अपनी डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानी जाती है। शहरी समाज अपनी विविधता और जटिलता के लिए जाना जाता है, ठीक। तो शहरी समाज अपनी विविधता और जटिलता के लिए जाना जाता है, ठीक। और इसमें जो है विषम होता है, विषम होता है मतलब कि इसमें सारे लोग समान नहीं होते हैं बल्कि विषम होते हैं। सारे लोगों की लाइफ स्टाइल, जीवन शैली अलग होती है, ठीक, उनकी स्थिति अलग होती है, उनका वर्ग अलग होता है, ठीक। इट इज डोमिनेटेड बाई सेकेंडरी रिलेशन, और शहरी समाज जो है वो सेकेंडरी रिलेशन के जरिए डोमिनेट होता है, ठीक। सेकेंडरी रिलेशन होता है, यहाँ पे प्राइमरी रिलेशन नहीं होता है, लोग एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पे सेकेंडरी रिलेशन होता है। इट इज डोमिनेटेड बाई सेकेंडरी रिलेशन, इसमें द्वितीय संबंधों का प्रभुत्व होता है। इसमें क्या होता है, द्वितीय संबंधों का प्रभुत्व होता है, ठीक। तो इसमें प्रथम संबंध नहीं होते हैं बल्कि प्राथमिक संबंध नहीं होते हैं बल्कि माध्यमिक यानी कि द्वितीय संबंध होते हैं, ठीक। फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल होता है यहाँ पे। फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल मतलब यहाँ पे कोई भी चीज होती है तो वहाँ पे फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल के जरिए उनको कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि
लॉ एंड पुलिस सिस्टम जो है एक फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है लोगों के व्यवहार को, सच एज लॉ, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है लॉ, लेजिस्लेशन, पुलिस एंड कोर्ट, इनके जरिए जो है इनको कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल आर नीडेड इन एडिशन टू द इनफॉर्मल मीन्स फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल। इनफॉर्मल के साथ साथ ये फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल की जरूरत होती है, जैसे कि लॉ, लेजिस्लेशन, पुलिस एंड कोर्ट, ताकि जो है इनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। लोगों के व्यवहारों को विनियमित करने के लिए अनौपचारिक साधनों के अलावा कानून, पुलिस और अदालत जैसी सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे औपचारिक साधनों की आवश्यकता होती है, जबकि रूरल एरियाज में जो है औपचारिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे औपचारिक साधनों की आवश्यकता होती है, ताकि उनके जो है व्यवहार को विनियमित किया जा सके, उनके व्यवहार को कंट्रोल किया जा सके। ओरिजिन ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी की ओरिजिन कैसे हुई थी, शहरी समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो ये देखते हैं हम लोग। द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इज द ओरिजिन ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में जो अर्बन सोशियोलॉजी का ओरिजिन हुआ वो किस कहाँ से हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से हुआ, ठीक। शिकागो विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में शहरी समाजशास्त्र का मूल है, ठीक। तो सबसे पहले जो शहरी समाजशास्त्र है वो कहाँ से शुरू हुआ, शिकागो विश्वविद्यालय से शुरू हुआ, शिकागो यूनिवर्सिटी से सबसे पहले सामाजिक अर्बन सोशियोलॉजी का ओरिजिन शुरू हुआ, ठीक, यूनाइटेड स्टेट में। अब ये कैसे हुआ था देखते हैं। द अर्बन इन्वायरमेंट सराउंडिंग द यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड द परफेक्ट लेबोरेटरी फॉर स्कॉलर लाइक रॉबर्ट पार्क एंड अर्नेस्ट बर्जेस टू स्टडी द सिटी, ठीक। क्योंकि जो शिकागो यूनिवर्सिटी थी उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट था वो अर्बन इन्वायरमेंट था, तो एक बेस्ट प्लेस जो है ये प्रोवाइड कर रहा था अर्बन स्टडीज के लिए, जिसमें रॉबर्ट एजरा पार्क और अर्बन बर्जेस ने जो है स्टडी किया, ठीक है, सिटी की स्टडी किया। द अर्बन एनवायरनमेंट सराउंडिंग द यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड द परफेक्ट लेबोरेटरी फॉर स्कॉलर लाइक रॉबर्ट एजरा पार्क एंड अर्नेस्ट बर्जेस टू स्टडी द सिटी, ठीक। विश्वविद्यालय के आसपास के शहरी वातावरण में शहर का अध्ययन करने के लिए रॉबर्ट एजरा पार्क और अर्नेस्ट बर्जेस जैसे विद्वानों के लिए एकदम सही प्रयोगशाला प्रदान की, ठीक। तो उनके आसपास विश्वविद्यालय के आसपास ऐसी जगहें थी जो शहरी क्षेत्र, अब उन शहरी क्षेत्रों का अध्ययन करना चूंकि वो विश्वविद्यालय के आसपास ही थे तो आसानी से उसका अध्ययन किया जा सकता था, तो उनमें से रॉबर्ट एजरा पार्क और अर्नेस्ट बर्जेस ने जो है शहरी क्षेत्रों का अध्ययन वहीं पे किया, ठीक, क्योंकि ये लोग शिकागो यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करते हैं, ठीक, वहीं पे इन्होंने स्टडी किया है। पीसी जोशी हैज सजेस्टेड 3 अप्रोच टू लैंड रिफॉर्म। पीसी जोशी ने जो है 3 अप्रोच सजेस्ट किए हैं लैंड रिफॉर्म के लिए। लैंड रिफॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पीसी जोशी को हम लोगों ने नहीं पढ़ा था इसीलिए इसको मैंने रिपीट किया है। पीसी जोशी ने भूमि सुधारों के लिए 3 दृष्टिकोण सुझाए हैं, ठीक, भूमि सुधार के लिए 3 दृष्टिकोण बताया है पीसी जोशी ने। अब क्या क्या बताया देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है गांधीयन अप्रोच, सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया है गांधीयन अप्रोच, उसके बाद द रेडिकल नेशनलिस्ट अप्रोच, फिर उसके बाद रेडिकल नेशनलिस्ट अप्रोच और थर्ड है द मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो ये 3 अप्रोचेज बताए हैं पीसी जोशी ने लैंड रिफॉर्म के। गांधीवादी दृष्टिकोण, कट्टरपंथी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण, तो ये 3 दृष्टिकोण बताया है पीसी जोशी ने। हम लोग इसको 1 by 1 बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। द गांधीयन अप्रोच, गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है। द गांधीयन व्यू डज नॉट ब्रिंग आउट डायरेक्टली द कंट्राडिक्शन ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी इन रिकॉर्ड टू इट्स लैंड रिलेशन। गांधीवादी दृष्टिकोण भारतीय ग्रामीण समाज की भूमि संबंधों के संबंध से में सीधे तौर पर अंत विरोधों का सामने नहीं आते, मतलब ये विरोध नहीं करते हैं रूरल लैंड रिलेशन में, ठीक है। द गांधीयन व्यू डज नॉट ब्रिंग आउट डायरेक्टली द
द कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लाते, ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी इन रिगार्डेड टू इट्स लैंड एंड रिलेशन, लैंड और रिलेशन के बीच में जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लाते। गांधीवादी दृष्टिकोण भारतीय ग्रामीण समाज के भूमि संबंधों के संबंध में सीधे तौर पर अंतर विरोधों का सामना नहीं करते। ठीक, अब ये क्या है गांधीवादी दृष्टिकोण? हाउएवर, विनोबा भावे स्टार्टेड अ मूवमेंट विच इज नोन एज ग्रामदान। विनोबा भावे ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था ग्रामदान। तो ये गांधीवादी ही थी कि ग्रामदान मूवमेंट का इन्होंने इस्तेमाल किया था, मूवमेंट चलाया था, जिसको भूमिदान भी कहा जाता है। ठीक, भूमिदान भी कहा जाता है। हालांकि विनोबा भावे ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसे ग्रामदान के नाम से जाना जाता है या भूमिदान के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता था कि ये लैंडलॉर्ड से जाकर रिक्वेस्ट करती थी, विनोबा भावे जो है वो लैंडलॉर्ड से जाकर रिक्वेस्ट करते थे कि अपने लैंड का कुछ पार्ट जो है ये क्या करें, विनोबा भावे जो है वो रिक्वेस्ट करते थे कि अपने लैंड का कुछ पार्ट जो है वो जाकर क्या करें, जो गरीब हैं जिनके पास जो लैंडलेस लेबर हैं उनको जो है वो डोनेट कर दें। ठीक, उनको डोनेट कर दें, दान कर दें, उसी का नाम था भूमिदान। ठीक, उसी से लिया गया भूमिदान। ठीक, या ग्रामदान। दिस मोमेंट अप्रोच द लैंडलॉर्ड टू पार्ट अवे विद देयर सरप्लस लैंड। ठीक, ये मोमेंट क्या था, लैंडलॉर्ड्स के पास पहुंचते थे और कहते थे कि जो उनके पास सरप्लस लैंड है जिनका कोई यूज नहीं है वो क्या करें, डोनेट कर दें, एज अ डोनेशन टू गिव टू दोज हु आर लैंडलेस पीजन, तो उनको दिया जाए जो लैंडलेस पीजन। ठीक, इस आंदोलन ने जमींदारों में संपर्क, इस आंदोलन ने जमींदारों से संपर्क किया और ये कहा कि जो भूमिहीन किसान है उनको देने के लिए अपनी अधिशेष भूमि, ऐसी भूमि जो अधिशेष है जिनका इस्तेमाल वो लोग नहीं करते हैं, तो ऐसी भूमि को जो है वो जो भूमिहीन किसान है उनको दे दिया गया, तो इसका नाम इसीलिए रखा भूमिदान या ग्रामदान। ठीक, तो समझ में आ गया विनोबा भावे ने जो मूवमेंट चलाया था। नेक्स्ट आता है रेडिकल। अच्छा, अभी इसमें है, अभी गांधीयन अप्रोच में। इन द इनिशियल स्टेजेस रिस्पॉन्सेज टू द दिस मोमेंट वॉज सेटिस्फेक्ट्री। इनिशियल स्टेज में तो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो मतलब ये मोमेंट जो था वो सेटिस्फेक्ट्री था। सेटिस्फेक्ट्री इसलिए था क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपनी जो भी सरप्लस लैंड थे उनको डोनेट करना शुरू कर दिया था उन्होंने। पारंपरिक अवस्था में इस आंदोलन की प्रक्रिया संतोषजनक थी, कि बाद में आंदोलन ठंडा पड़ गया। एट लेटर स्टेज द मूवमेंट कूल्ड डाउन। तो शुरुआत में जब इन्होंने शुरू किया मूवमेंट तो उस वक्त तो लोगों ने डोनेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में जो ये मूवमेंट ठंडा पड़ गया, लोगों ने डोनेट करना बंद कर दिया था। ठीक है, बाद में आंदोलन ठंडा पड़ गया था और लोगों ने डोनेट करना यानी कि दान देना बंद कर दिया था। शुरू में कुछ जो है जो जमींदार थे जिनके पास जो है अधिशेष जमीनें थी उन्होंने दान किया था, लेकिन बाद में जो है ये आंदोलन ही ठंडा पड़ गया। द रेडिकल नेशनलिस्ट अप्रोच। रेडिकल नेशनलिस्ट अप्रोच का क्या मानना है लैंड रिफॉर्म के बारे में? कट्टरपंथी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का क्या मानना है? रेडिकल नेशनलिस्ट डिड नॉट वर्क सेटिस्फैक्टरीली। तो रेडिकल नेशनलिस्ट ने जो है सही तरीके से सेटिस्फैक्टरी तौर पे काम नहीं किया था। इट टर्नड आउट टू बी अ फॉर्मल अप्रोच जनरली अडॉप्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो है फॉर्मल अप्रोच था जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अडॉप्ट किया। ये इट टर्नड आउट टू बी अ फॉर्मल अप्रोच, ये फॉर्मल अप्रोच में बदल गया जिसको किसने अडॉप्ट किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था इस तरह के लैंड रिफॉर्म। कट्टरपंथी राष्ट्रवादी ने संतोषजनक ढंग से काम नहीं किया। ये आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा अपनाया जाने वाला एक औपचारिक दृष्टिकोण निकला। ठीक, ये आमतौर पर क्या था, राज्य सरकारों द्वारा अपनाया जाने वाला एक औपचारिक दृष्टिकोण। ठीक, रेडिकल नेशनलिस्ट अप्रोच या कट्टरपंथी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। इन अ सेमिनार ऑर्गेनाइज बाई सेंटर फॉर एग्रेरियन स्टडीज। तो एक सेमिनार हुआ था, इसने ऑर्गेनाइज किया था सेंटर फॉर एग्रेरियन स्टडीज, जो कहाँ पे हुआ था,
1991 में हुआ था, इट वॉज सजेस्टेड बाई टी हक। तो टी हक ने इसको सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया था, दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इट इज एसेंशियल इन इंडिया टू इन्फोर्स लैंड रिफॉर्म इन ऑल स्टेट। ठीक, तो ये इंडिया के लिए ज़रूरी है कि पूरे स्टेट में, जितने स्टेट इंडिया में हैं, सब में लैंड रिफॉर्म को जो है लागू किया जाए। तो ये टी हक ने जो है एक सेंटर फॉर एग्रेरियन स्टडीज़ के जरिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें टी हक ने ये सजेस्ट किया था कि अगर इंडिया को सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक ऐसी सोसाइटी जो इक्वलिटी के बेस पे हो, इक्विटी के बेस पे हो, जस्टिस के बेस पे हो, अगर ऐसी बनाना चाहते हैं तो इंडिया के सारे स्टेट को ज़रूरी है कि वो लैंड रिफॉर्म पे फोकस करें। ठीक, 1991 में सेंटर फॉर एग्रेरियन स्टडीज़ द्वारा आयोजित एक सेमिनार में टी हक ने सुझाव दिया था कि समाजवादी समाज के विकास के लिए भारत में सभी राज्यों में भूमि सुधार लागू करना आवश्यक है। तो टी हक ने क्या सुझाव दिया था, एक सेमिनार हुआ था सेंटर फॉर एग्रेरियन स्टडीज का, जिसमें टी हक ने ये सुझाव दिया था कि अगर आप समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं, भारत में अगर आप समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि भारत के जितने राज्य हैं, सारे राज्य जो है वो क्या करें, भूमि सुधार जो है कानून लागू करें। ठीक, भूमि सुधार लागू करना आवश्यक है सारे लोगों के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेटिफिकेशन। एंड्रे बेटे डिफाइंड स्ट्रेटिफिकेशन एज ईदर हार्मोनी वेयर द नॉर्म्स लेजिटिमाइज इनइक्वालिटी क्लास सिस्टम और डिसहार्मोनी। तो एंड्रे बेटे ने दो तरह से, दो टाइप के स्ट्रेटिफिकेशन की बात की है, एक हार्मोनिक और एक डिसहार्मोनिक। वेयर नॉर्म्स लेजिटिमाइज इक्वलिटी बट इनइक्वलिटी इज द रियलिटी। ठीक, तो एंड्री बेते क्या कहते हैं कि दो तरह के स्ट्रेटिफिकेशन होते हैं, चाहे वो हार्मोनिक। हार्मोनिक क्या है, जहाँ पे नॉर्म्स जो है वो लेजिटिमाइज करती हैं इनइक्वलिटी को, जैसे कि कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज है, वही जो है क्या करती हैं, लेजिटिमाइज करती हैं इक्वलिटी को। मतलब बताती हैं कि ठीक है, यहाँ पे इनइक्वलिटी ब्राह्मण इसलिए ऊँचे, मतलब इनकी हायरार्की जो है ऊँची इसलिए है क्योंकि हायरार्की में जो है, हायरार्कियल प्लेस है, उसमें ऊँची पे सबसे ब्राह्मण इसलिए है क्योंकि ये धर्म ने कहा, ये रिलीजन में। ठीक, तो इसको जो है नॉर्म्स जो है लेजिटिमाइज करते हैं इनइक्वलिटी को, इसी को हार्मोनिक कहा जाता है। अगर जो है नॉर्म्स खुद लेजिटिमाइज करें इनइक्वलिटी को, तो उसको हार्मोनिक कहा जाता है। और एक तरह की और स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं एंड्री बेटे, जिसका नाम है डिसहार्मोनिक। डिसहार्मोनिक मतलब वेयर नॉर्म्स लेजिटिमाइज इक्वलिटी बट इनइक्वलिटी इज द रियलिटी। जहाँ पे नॉर्म्स को लेजिटिमाइज करती हैं कि इक्वलिटी है, लेकिन जो है रियलिटी में जो है वहाँ पे इनइक्वलिटी होती है। नॉर्म्स तो कहते हैं कि यहाँ पे इक्वलिटी होना जरूरी है, लेकिन वहाँ पे इनइक्वलिटी होती है, तो इसको डिसहार्मोनिक कहा जाता है। अस्तरीकरण क्या है, आंद्रे बेते ने अस्तरीकरण को या तो हार्मोनिक कहा है, जहाँ पे मानदंड असमानता को वैध बना देते हैं, जैसे कि जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था में जो मानदंड होते हैं वो जो असमानता होती है उसको वैध बनाते हैं। ठीक, या डिसहार्मोनिक होते हैं, या क्या है, डिसहार्मोनिक होते हैं, जहाँ पे मानदंड क्या करते हैं, समानता को वैध करते हैं। जहाँ पे मानदंड क्या करते हैं, समानता को वैध करते हैं, लेकिन असल में समानता होती नहीं है, वास्तविकता में असमानता ही होती है के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि एंड्रे बेटे ने जो है किस तरह से क्लासिफाई किया है स्ट्रेटिफिकेशन को। तो एक जो है उन्होंने हार्मोनिक और डिसहार्मोनिक के बेस पे किया। हार्मोनिक क्या है, जहाँ पे नॉर्म्स जो है वो लेजिटिमाइज करते हैं इनइक्वलिटी को, और डिसहार्मोनिक जहाँ पे नॉर्म्स जो है लेजिटिमाइज करते हैं इक्वलिटी को, लेकिन रियलिटी में क्या होती है, इनइक्वलिटी होती है। जहाँ पे जो मानदंड है वो क्या करते हैं, असमानता को, समानता को ही बढ़ावा देते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो है असमानता ही होती है। ठीक, डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, एंड्रे बेते ने ही किया है डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। एंड्रे बेते पॉइंट्स आउट दैट सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस। एंड्रे बेते ने कहा है कि सोशियोलॉजी जो है वो कॉमन सेंस से अलग है, एज इट हैज अ बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट है, मेथड्स हैं, डाटा है, नो मैटर हाउ लूजली कोऑर्डिनेटेड।
ये जरूरी नहीं है कि वो कितना लूजली कोऑर्डिनेटेड है। कॉन्सेप्ट, मेथड और डाटा तो होते हैं, लेकिन ये बहुत लूजली कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो एंड्रे बेसे कहते हैं ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि ये कोई मैटर नहीं है इसमें कि अगर कोई जो है ये लूजली कोऑर्डिनेटेड हो, लेकिन कॉन्सेप्ट, मेथड और डाटा है तो इसमें कॉमन सेंस से सोशोलॉजी अलग है। फॉर विच कॉमन सेंस ऑफ इवन द मोस्ट एक्यूट एंड वेल इन्फॉर्म काइंड कैन नॉट सब्स्टिट्यूट, जिसको जो है कॉमन सेंस सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। ठीक, मतलब इसका बदल नहीं हो सकता, सोशियोलॉजी का बदल जो है वो कॉमन सेंस नहीं हो सकता। समाज शास्त्र और सामान्य ज्ञान के बीच अंतर एंद्रे बेते ने किया है। एंद्रे बेते बताते हैं कि समाज शास्त्र सामान्य ज्ञान से अलग है, क्योंकि इसमें अवधारणाएं होती हैं, विधियां होती हैं, डेटा होते हैं, चाहे कितना भी शिथिल रूप से हो लेकिन होती हैं। जिसके लिए सबसे तीव्र और अच्छी तरह से सूचित प्रकार का सामान्य ज्ञान भी अस्थानापन नहीं कर सकता, मतलब उसका बदल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जिसके लिए कि अगर पूरी तरह से डेवलप हो, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सूचित प्रकार का सामान्य ज्ञान हो, तब भी जो है वो इसका स्थान नहीं ले सकता, समाज शास्त्र का स्थान नहीं ले सकता। लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, छोटी और बड़ी बड़ी परंपराएं, इसकी बात देखते हैं किसने किया था। रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था। द ओरिजिन ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन इज फ्रॉम रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन का रॉबर्ट रेडफील्ड से हुआ था। वन मिनट। तो लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? रॉबर्ट रेडफील्ड से हुआ था, हु कंडक्टेड हिज स्टडीज इन मैक्सिकन कम्युनिटीज। जिसने अपनी स्टडी कहाँ पे किया था? मैक्सिकन कम्युनिटीज में किया था। जिसने अपनी स्टडी कहाँ पे किया था? मैक्सिकन कम्युनिटीज में किया था। छोटी और बड़ी परंपराओं की उत्पत्ति रॉबर्ट रेडफील्ड से हुई है, जिन्होंने मैक्सिकन समुदाय में अपना अध्ययन किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने कौन सी कम्युनिटी की स्टडीज किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने मैक्सिकन कम्युनिटीज की स्टडी किया था। इट वॉज रेडफील्ड हु टॉक्ड अबाउट लिटिल कम्युनिटीज। रेडफील्ड ने ही लिटिल कम्युनिटीज की बात की है। फॉर हिम लिटिल कम्युनिटीज वॉज अ विलेज। तो लिटिल कम्युनिटीज क्या है? एक विलेज है दैट हैड स्मॉलर साइज, जो बहुत जिसकी साइज जो है बहुत छोटी है और वो सेल्फ सफिशियंट है। सेल्फ सफिशियंट मतलब कि जिसके सारे काम जो है उसकी वो खुद कर लेता हो, ठीक, किसी और चीज़ पे डिपेंड ना होता हो, ठीक, सेल्फ सफिशियंट हो एंड रिलेटिवली आइसोलेटेड हो, और जो है ये आइसोलेटेड होता है। ठीक, तो ऐसे गांव को इन्होंने लिटिल कम्युनिटी कहा है जो बहुत छोटे साइज में है, सेल्फ सफिशियंट है और रिलेटिवली आइसोलेटेड। ये रेडफील्ड ही था जिसने छोटे समुदाय के बारे में बात की है। उनके लिए छोटा समुदाय एक ऐसा गांव था जिसका आकार छोटा हो, आत्मनिर्भर हो और अपेक्षाकृत अलग थलग रहता हो। ऐसे गांव को उन्होंने लिटिल कम्युनिटी कहा। ठीक, ऐसे गांव को उन्होंने छोटा समुदाय कहा। छोटा समुदाय या छोटे समुदाय कहा। लिटिल ट्रेडिशन कंसिस्ट ऑफ लोकल कस्टम। लिटिल ट्रेडिशन में क्या कहा जाता है? लोकल कस्टम, जो लोकल लेवल के कस्टम्स होते हैं, राइट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, डायलेक्ट्स होते हैं। और ग्रेट ट्रेडिशन में क्या आ जाता है? जो लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ ऑल दीज थिंग, लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ कस्टम, लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ राइट्स, लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ रिचुअल्स, लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ डायलेक्ट्स, ये सब किस में आ जाएंगे? ग्रेट ट्रेडिशन में आ जाएंगे। और लिटिल ट्रेडिशन में जो है ये लोकल कस्टम, लोकल राइट्स, लोकल रिचुअल, लोकल डायलेक्ट्स होते हैं। ठीक, छोटी परंपराओं में स्थानीय रीति, छोटी परंपराओं में स्थानीय रीति रिवाज, संस्कार, रीति रिवाज, बोलियां शामिल हैं। ठीक, तो छोटी परंपराओं में जो स्थानीय रीति रिवाज होते हैं, संस्कार होते हैं, रीति रिवाज या बोलियाँ शामिल होती हैं। ठीक, लेकिन महान परंपराओं में इन सभी चीज़ों का वैध रूप होता है। महान परंपराओं में इन सभी चीजों का वैध रूप होता है। वैध रूप परंपरा का, ठीक, रीति रिवाज का, संस्कार का, ठीक, या बोलियों का। अगर वैध रूप है तो उसको
महान परंपरा कहेंगे और वैध रूप नहीं है तो उसको छोटी परंपरा कहेंगे या लिटिल ट्रेडिशन कहेंगे। तो ये डिफरेंस है लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन में। मैकी मैरियोर फाउंड दैट व्हेन लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन इंटरेक्ट विद ईच अदर टू टाइप ऑफ मोमेंट आर ऑब्जर्व अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये कहते हैं कि जब लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो दो तरह का मोमेंट होता है, अपवर्ड मोमेंट एंड डाउनवर्ड मोमेंट। दो तरह का मोमेंट होता है, एक अपवर्ड मोमेंट और एक डाउनवर्ड मोमेंट। मैकी मैरियोट ने पाया कि जब छोटी परंपरा एक महान परंपरा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है, जब छोटी परंपरा और महान परंपरा जो है एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं तो दो प्रकार की गतियां देखी जाती हैं, एक देखी जाती हैं ऊपर और नीचे की तरफ। ठीक, अब ये ऊपर और नीचे की तरफ गतिविधियां क्या हैं, तो इसको इन्होंने नाम दिया यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकियलाइजेशन, सार्वभौमिकरण। ठीक, व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ लिटिल ट्रेडिशन मूव अपवर्ड, जब लिटिल ट्रेडिशन के एलिमेंट्स जो है अपवर्ड की तरफ मूव करते हैं और वो ग्रेट ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाते हैं तो इसको मैकी मैरियट ने क्या कहा है, यूनिवर्सलाइजेशन कहा है। ठीक, जब छोटी परंपराओं के तत्व ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं तो उसको मैकी मैरियट ने क्या कहा है, सार्वभौमिकरण कहा है। ठीक, उसको मैकी मैरियट ने सार्वभौमिकरण कहा है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पैरोकियलाइजेशन। पैरोकियलाइजेशन व्हेन सम एलिमेंट्स ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन, जब ग्रेट ट्रेडिशन के कुछ एलिमेंट्स जो है वो डाउन की तरफ यानी कि लिटिल एलिमेंट्स लिटिल ट्रेडिशन के पार्ट्स बन जाते हैं तो उसको उन्होंने पैरोकियलाइजेशन कहा। ठीक, जब महान परंपरा के कुछ तत्व नीचे की ओर बढ़ते हैं तो उसे पैरोकियलाइजेशन कहा जाता है। तो यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकियलाइजेशन समझ में आ गया ना क्या होता है, हम लोग एक ग्राफ के जरिए समझते हैं इसको। ठीक, एक डायग्राम के जरिए समझते हैं इसको। यूनिवर्सलाइजेशन क्या है, यहाँ पे देखिए लिटिल ट्रेडिशन है और ये ग्रेट ट्रेडिशन है। अगर लिटिल ट्रेडिशन के एलिमेंट्स जो है वो अपवर्ड मूव करें और ग्रेट ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाएं तो इसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन कहेंगे। एलिमेंट्स ऑफ लिटिल ट्रेडिशन मूव्स अपवर्ड तो इसको यूनिवर्सलाइजेशन कहेंगे। ठीक, और अगर ग्रेट ट्रेडिशन के जो एलिमेंट्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करें तो इसको पैरोकियलाइजेशन कहेंगे। लिटिल ट्रेडिशन के एलिमेंट्स अपवर्ड मूव करें तो इसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन कहेंगे। और ग्रेट ट्रेडिशन के एलिमेंट्स जो है वो डाउनवर्ड मूव करें यानी कि लिटिल ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाए तो उसको पैरोकियलाइजेशन कहेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए ये एरो देखिए, ये अगर लिटिल ट्रेडिशन जो है वो ग्रेट ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाए तो यूनिवर्सलाइजेशन, और ग्रेट ट्रेडिशन जो है लिटिल ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाए तो पैरोकियलाइजेशन। ठीक, समझ में आया क्या होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है विलेज रिपब्लिक, ग्राम गणतंत्र। द कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज रिपब्लिक इज डेवलप बाय चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ने जो है विलेज रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट दिया था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा गांधी के साथ। एंड लेटर डेवलप बाय एमके गांधी इन इंडिया, इंडिया में गांधी ने ही इसको डेवलप किया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है विलेज रिपब्लिक का ये चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। ठीक, ग्राम गणतंत्र की अवधारणा चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा विकसित की गई थी और बाद में भारत में एमके गांधी द्वारा विकसित की है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको पूछे कि फर्स्ट टाइम किसने दिया था तो ये मेटकॉफ हो जाएंगे और इंडिया में किसने दिया था तो ये गांधी हो जाएंगे। ठीक, लिटिल रिपब्लिक छोटा गणतंत्र क्या है। इन 1806 थॉमस मुनरो लेटर गवर्नर ऑफ मद्रास, थॉमस मुनरो जो है बाद में मद्रास के गवर्नर बने, उन्होंने पहली बार 1806 में डिस्क्राइब किया था इंडियन विलेज को एज लिटिल रिपब्लिक। इन्होंने इंडियन विलेज को लिटिल रिपब्लिक कहा था क्योंकि ये सेल्फ सफिशियंट थे, सेल्फ फुलफिलिंग थे, मतलब जो विलेज थे वो सेल्फ सफिशियंट थे। एंड इंडिया एज अ मास ऑफ सच रिपब्लिक, और इंडिया को एज अ मास ऑफ सच रिपब्लिक माना। ठीक, 1806 में बाद में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने सबसे पहले भारतीय गाँव को छोटा गणतंत्र कहा था और भारत को ऐसे गणराज्यों का एक समूह के रूप में वर्णित किया है। ठीक, उसके बाद जो है 1806 के बाद 1832 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भी इसका नाम दिया था लिटिल रिपब्लिक का, फेमसली टर्म इंडियन विलेज एज लिटिल रिपब्लिक। ठीक, 1832 में चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रसिद्ध रूप से भारतीय गांव को छोटे गणराज्य कहा। ठीक,
ये कंफ्यूज मत होइएगा। लेटिन रिपब्लिक की अगर बात होगी तो चार्ल्स मेटकॉफ पहले नहीं आएंगे। हाँ, विलेज रिपब्लिक की बात होगी तो वो चार्ल्स मेटकॉफ पहले आएंगे। तो चार्ल्स मेटकॉफ, अगर लिटिल रिपब्लिक की बात हो रही है तो थॉमस मुनरो पहले आते हैं, क्योंकि उन्होंने 1806 में इंडियन विलेज को कहा था लिटिल रिपब्लिक। एंड्रे बेटे क्या कहते हैं, फॉर बेटे इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन आर टू सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी। एंड्रे बेटे कहती हैं कि इवोल्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो सोर्स हैं इनइक्वालिटी के। बेटे के लिए मूल्यांकन और संगठन जो है वो असमानता के दो स्रोत हैं। एंड्रे बेटे कहते हैं कि मूल्यांकन और संगठन जो है वो असमानता के दो स्वरूप हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप, इनइक्वालिटी इज इनहेरेंट इन द ह्यूमन सोसाइटी। और कहते हैं कि इनइक्वालिटी जो है वो ह्यूमन सोसाइटी का इनहेरेंट पार्ट है, मतलब तो उसमें होता ही होता है। एंड कल्चर एंड पावर आर रूट्स विच फैसिलिटेट इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और कल्चर और पावर जो है यही इवोल्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं, जो क्या करता है, इनइक्वालिटी को जन्म देता है। और असमानता मानव समाज में निहित और सांस्कृतिक और शक्ति मूल है जो मूल्यांकन और संगठन की सुविधा प्रदान करते हैं। तो जो असमानता क्या है, मानव समाज में निहित होता है, और संस्कृति और शक्ति जो है ये क्या करते हैं, मूल्यांकन और संगठन की सुविधा प्रदान करते हैं, जो क्या करता है, असमानता को पैदा करता है। बेटे सेज दैट एग्रेरियन सोसाइटी इन इंडिया कैन बी अंडरस्टूड बोथ टर्म्स ऑफ क्लास एज वेल एज कास्ट। तो ये कहते हैं कि इंडिया में जो एग्रेरियन सोसाइटी है उसको आप जो है क्लास और कास्ट दोनों के टर्म में समझा जा सकता है। एंड देर इज टू फोल्ड लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास। और कहते हैं कि ये दो फोल्ड लिंक है कास्ट और क्लास के बीच। बेटे का कहना है कि भारत में कृषक समाज को वर्ग और जाति दोनों के संदर्भ में समझा जा सकता है, और जाति और वर्ग के बीच दोहरी कड़ी है। ठीक, जाति और वर्ग के बीच दोहरी कड़ी है। फर्स्ट क्लास रिलेशन आर लेजिटिमाइज एंड फंक्शन बाय द कास्ट सिस्टम। तो फर्स्ट क्लास रिलेशन क्या है, वो लेजिटिमाइज है और किसके जरिए सेंक्शन की जाती है, कास्ट सिस्टम के जरिए। सबसे पहले जाति व्यवस्था द्वारा वर्ग संबंध को वैध और स्वीकृत किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, जाति व्यवस्था को आपके द्वारा वर्ग संबंध को वैध और स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, द लाइफ स्टाइल ऑफ अपर कास्ट रिक्वायर्स देम टू डेसिस्ट नॉट टू वर्क। तो अपर कास्ट की जो लाइफ स्टाइल होती है वो उनको रोकती है कि वो काम ना करें, फ्रॉम वर्किंग विद देयर हैंड, एंड दिस इज अ पावरफुल सैंक्शन फॉर देयर अपर क्लास रैंकिंग। और यही जो है उनके अपर क्लास रैंकिंग की पावरफुल सैंक्शन है। उच्च जातियों की जीवन शैली उन्हें अपने हाथों से काम करने से रोकती है की आवश्यकता होती है, और ये उनके उच्च वर्ग की रैंकिंग के लिए एक शक्तिशाली मंजूरी है। तो कास्ट सिस्टम ही उसको लेजिटिमाइज करता है, ये कहते हैं। इसीलिए कास्ट और क्लास को जो है आप टू फोल्ड के तौर पे समझ सकते हैं, टू फोल्ड क्लासिफिकेशन के तौर पे समझ सकते हैं। सेकंडली देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास। दूसरी बात क्या कहते हैं ये, कि डायरेक्ट लिंक है कास्ट एंड क्लास के बीच में। एज द अपर कास्ट सच एज ब्राह्मण एंड राजपूत। तो अपर कास्ट जैसे कि ब्राह्मण और राजपूत जो है वो ट्रेडिशनली लैंड ओनर, ये जो है पहले से ही लैंड ओनर थे। द मिडिल क्लास वो ट्रेडिशनली टेनेंट्स, और जो मिडिल क्लास थे वो ट्रेडिशनली टेनेंट्स थे, यानी कि मिडिल कास्ट के लोग जो थे वो ट्रेडिशनली टेनेंट्स थे। एंड द लोअर कास्ट आर अनटचेबल एंड लेबरर्स, और लोअर क्लास जो है वो अनटचेबल्स और लेबरर्स थे। इसीलिए एंड्रे बेटे कहते हैं कास्ट और क्लास को जो है एक ही साथ समझा जा सकता है। टू फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट एंड क्लास इन्होंने दिया था। दूसरे जाति और वर्ग के बीच एक सीधा संबंध है, क्योंकि उच्च जातियां जैसे कि ब्राह्मण और राजपूत जो है वो पारंपरिक रूप से भूमि के मालिक थे, मध्य जातियां पारंपरिक रूप से किराएदार थे, और निचली जातियां अछूत मजदूर है। ठीक, तो इन्होंने ये दो टाइप की इनइक्वालिटी की बात करती हैं। एक है कम्यूटेटिव करते हैं, मतलब एक है कम्यूटेटिव इनइक्वालिटी और दूसरा है डिस्पर्स इनइक्वालिटी, संचयी असमानता, और दूसरा है डिस्पर्स इनइक्वालिटी। लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास हैज बीन कॉल्ड कम्यूटेटिव इनइक्वालिटी। कास्ट और क्लास के बीच में जो लिंक है उसी को कम्यूटेटिव इनइक्वालिटी कहा जाता है। क्रम विनिमय जाति और वर्ग के बीच की कड़ी को संचयी असमानता कहा जाता है। ठीक,
और क्लास के बीच में अगर लिंक है तो उसको कम्यूटेटिव इनइक्वालिटी कहा जाता है। डिस्पर्स इनइक्वालिटी क्या होती है? बिखरी हुई असमानता, वेयर द लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास इज ब्रोकन, जहां पे कास्ट और क्लास के बीच में जो लिंक है वो टूट जाए तो उसको जो है डिस्पर्स इनइक्वालिटी कहा जाता है। सो दैट द अपर कास्ट आर नो लॉन्गर द अपर क्लासेस। ऐसा ऐसा कब होगा? जब अपर कास्ट जो है वो अपर क्लास ना रह जाए, ठीक, अपर कास्ट जो है वो अपर क्लास ना रह जाए तो इसको क्या कहेंगे? वन मिनट, अगर अपर क्लास जो है वो अपर कास्ट ना रह जाए, अपर कास्ट जो है वो अपर क्लास ना रह जाए तो इस तरह की इनइक्वालिटी को डिस्पर्स इनइक्वालिटी एंड्रे मेते ने कहा। एक बिखरी हुई असमानता क्या है? जहाँ जाति और वर्ग के बीच की कड़ी जो है टूट जाती हो, ताकि उच्च जातियाँ जो है अब वो उच्च वर्ग ना रह जाए, उच्च जातियाँ अब क्या है उच्च वर्ग नहीं रह जाती, ऐसी असमानता को बिखरी हुई असमानता कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा, इसीलिए लीव करते हैं क्लास, बाकी हम लोग कल करेंगे रिफिकेशन संशोधन, द रूरल अर्बन कॉन्टिनेंट, और जो है हम लोग अर्बन मिडिल क्लास तो कर चुके हैं, सब अल्टरन पर्सपेक्टिव, ये जो है हम लोग कल करेंगे तीनों टॉपिक। आज के लिए लीव करते हैं क्लास, थैंक यू वेरी मच, और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। कर लेते हैं क्योंकि कल हम लोग 50 यूनिट स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, अगर ये हम लोग पहले करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा उसमें, इसीलिए कर लेते हैं अभी। 14 मिनट्स हैं हमारे पास। तो रिफिकेशन क्या होता है? रिफिकेशन क्या होता है? रिफिकेशन यानी कि संशोधन। रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूटिंग कॉन्क्रीट फॉर्म टू एन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूटिंग कॉन्क्रीट फॉर्म, कॉन्क्रीट फॉर्म को एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बनाने के प्रोसेस को रिफिकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ रेड रोज मे बी रिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लव। रेड रोज को इसलिए डिनोट किया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लव के तौर पर डिनोट किया जाता है। तो यही है, एक कॉन्क्रीट फॉर्म को आप एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में अगर डिनोट करते हैं तो उसी को रिफिकेशन कहा जाता है। जैसे एक रिंग जो है वो क्या है, एक लव का कॉन्सेप्ट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो रिफिकेशन इसी को कहते हैं। एक कॉन्क्रीट टर्म को अगर आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट टर्म में डिनोट कर रहे हैं, तो उसको रिफिकेशन कहा जाता है। पुनरीक्षण एक अमूर्त, पुनरीक्षण भी कहा जाता है, संशोधन नहीं, पुनरीक्षण कहा जाता है, एक अमूर्त अवधारणा के लिए ठोस रूप से जिम्मेदार ठहराने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए एक लाल गुलाब प्रेम की अवधारणा का पुनरीक्षण हो सकता है, तो ये प्रेम की अवधारणा का पुनरीक्षण हो सकता है लाल गुलाब, ठीक, तो इसी को रिफिकेशन कहा जाता है। अगर आप किसी कॉन्क्रीट चीज को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लिए डिनोट करते हैं तो ठीक उसी को रिफिकेशन कहा जाता है। द रूरल अर्बन कॉन्टिनेंट, ग्रामीण शहरी निरंतरता क्या होती है? द रूरल अर्बन कॉन्टिनेंट इज द मार्जिन ऑफ टाउन एंड विलेज। टाउन एंड विलेज का जो मार्जिन होता है, सपोज करिए यहाँ टाउन है यहाँ विलेज है, इन दोनों का जो मार्जिन है उसी को रूरल अर्बन कॉन्टिनम कहा जाता है, ठीक। ग्रामीण शहरी निरंतरता शहर और गांव का विलय है, ठीक। मर्ज, अच्छा यहाँ पे रूरल अर्बन कॉन्टिनम, रूरल अर्बन कॉन्टिनम ग्रामीण शहरी निरंतरता, द मर्जिंग ऑफ टाउन एंड विलेज, दोनों का एक साथ जुड़ना, मर्जिंग मार्जिन नहीं है, मर्जिंग है।
तो मर्जिंग है, टाउन और विलेज का मर्जिंग अगर हो रहा है तो उसी को रूरल अर्बन कॉन्टिनम कहा जाएगा। ग्रामीण शहरी निरंतरता किसको कहेंगे? ग्रामीण और शहर अगर एक साथ जुड़ जाए तो उसी को ग्रामीण शहरी निरंतरता कहा जाता है। द वर्ड रिफर्स टू द फैक्ट दैट देयर इज रेयरली ईदर फिजिकली और सोशली अ शार्प सेपरेशन। इसका मतलब है कि आप एक तरह से शार्प सेपरेशन नहीं कर सकते ना विलेज और टाउन को, एक मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बाउंड्री बना दें कि ये विलेज है ये टाउन, ठीक शार्प सेपरेशन तो नहीं हो सकता। अ क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है बिटवीन द टू, विद वन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग इंटायरली अर्बन एंड द अदर इंटायरली रूरल, ठीक। तो ऐसा रेयरली होता है, होता होगा लेकिन ऐसा रेयरली होता है, ठीक। तो इसी को रूरल अर्बन कॉन्टिनम कहा जाता है। ये शब्द इस तथ्य को संदर्भित करता है कि शायद ही कभी या तो शारीरिक या सामाजिक रूप से एक तेज अलगाव दोनों के बीच एक स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमा होती है। तो दोनों के बीच, रूरल अर्बन के बीच यानी कि ग्रामीण और शहरी के बीच में एक स्पष्ट सीमा बहुत कम होती है, ठीक, जिसमें आबादी एक वर्ग पूरी तरह से शहरी और दूसरी तरह से ग्रामीण होती है, ठीक। जिसमें एक एक तरफ आपने दो बाउंड्री बना दिया, एक पूरी तरह से शहरी है और एक पूरी तरह से ग्रामीण, और दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है, ठीक, दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो इनको अलग करना जो है एक तरह से पॉसिबल नहीं है, ठीक, एक शार्प डिफरेंस नहीं होता है दोनों के बीच में, कहने का मतलब ये। बस ये कर लेते हैं आज, यूनिट ये खत्म हो गया, सब अल्टरन पर्सपेक्टिव इस यूनिट का है भी नहीं, इसीलिए इसको कल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप लोग, एनी क्वेश्चन। नहीं है तो फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, कल हम लोग मिलते हैं फिर 2 बजे।